अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज मैं आपके लिए जो मूवी लाई हूँ वो है नमो भी थर्मा 2। 2023 की हिंदुस्तानी कैंडन जुबान की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसकी हदायतकारी वी मल्ली ने की है और इसमें कोमल लिखा चंद्रा गोविंदे गोडा ने अदाकारी की है। ये फिल्म नमो भी थर्मा का सीक्वल है। नमो भी थर्मा 2 के हदायतकार वी मल्ली को संतोष शेखर स्टारिंग कोमल ने प्रोड्यूस किया है। लिखा चंद्र गोविंदे गोडा, सिनेमाटोग्राफी हलेश रेबजरिया, मेज म्यूजिक अरुण एंड्रयू, पैदावार कंपनी MS गोल्डन प्रोडक्शंस, वक्त 4:47, मुल्क हिंदुस्तान, जुबान कैनन, कोमल बतौर नर्जन, लिखा चंद्र बतौर अमृता, गोविंदे गोडा बतौर गुरुदा वर्धन, रवि बतौर शरियास, मोनिका गोडा बतौर नन्नी, मितेश राघु रामाया कोपा, साउंड ट्रैक के लिए म्यूजिक अरुण एंड्रयू ने तरतीब दी है। ड्रैक की फ्लिस नंबर तक बाले में तरमीम कर दी। न्यू इंडियन एक्सप्रेस टेक नकाद ने लिखा है कि गजब फिल्म भी ए फतह हासिल नहीं कर सकती, लेकिन कोमल कुमार की मौजूदगी इसे किसी हद तक देखने के काबिल बनाती है। इसलिए अपने आप को कोरोना घर जाने के लिए तैयार करें, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब आप खुश मिजाज लतीफ़ से हंसी तलाश कर रहे हों, क्योंकि रोने से ज़्यादा। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक नकार ने लिखा है, अगर आप मौत पर मबनी फिल्मों में बिजार हैं, कुछ मुख्तलिफ तलाश कर रहे हैं जिससे हंसी और डराने के भी अच्छे मकदार पैदा हों, तो थिएटर में नमो भी थर्मा 2 का लुत्फ उठाया जा सकता है। दक्कन हेराल्ड के एक नकार ने लिखा है कि स्लैपस्टिक कॉमेडी कभी हंसी को जन्म देती है, लेकिन ना जायका इसे नीचे लाता है। फिल्म एक उम्मीद अफजा बुनियाद के साथ शुरू होती है, लेकिन दिलकश बयानियों की कमी की वजह से नाकाम रहती है। दी साउथ फर्स्ट के एक नकार ने लिखा है कि अदाकार कोमल कुमार अपनी पिछली हिट फॉर कॉमेडी नमो भी थर्मा के सीक्वल में बहुत बचत हवाला जज में तरमीम करे। शारदा ए नमो भी थर्मा 2 फिल्म का जायजा, कोमल कुमार ने इस कमजोर हॉर कॉमेडी को एंकर किया। दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस 5 अगस्त 2023 को असल जारकिश्ता 5 अगस्त 2023 को हासिल किया गया। नमो भी थर्मा 2 मूवी रिव्यू है हेरल की मजाया कहानी। टाइम्स ऑफ इंडिया एक उम्मीद अफजा थलग गलत हो गया। दकन हरान 4 अगस्त 2023 11 बुतों का एक जायजा। नमो भी थर्मा खौफनाक मामला जो नाकाबिल बर्दाश्त तौर पर 2 घंटे से ज़्यादा परेशान रहता है। सबसे पहले असल सैरकृष्णा 2023 अगस्त 5 नूबी को असल सैरकृष्णा 2023 अगस्त 5 बिरने जवाब ताखिर तरमीम 19 घंटे कबल। त्रेश मोहन ने की मुतलका मजामीन कोमल अदाकार नमो भी थर्मा 2014 भारतीय फिल्म लिफ्ट कोटा 2010 भारतीय फिल्म मौसी सिबा ऐसे के तहत दस्तियाब है। जब तक के दूसरे सुर में नोट ना किया जाए, राजदारी पुलिस इस्तेमाल करने की शराइट डिस्ट्रक्ट मैन मैंने खोले आर्टिकल टॉक्स बन PDF डाउनलोड करें। कोमल कुमार जो के कोमल के नाम से जाना जाता है, एक हिंदुस्तानी अदाकार फिल्म प्रोड्यूसर है जो कैंडन सिनेमा में अपने काम के लिए मशहूर है। उन्होंने 1999 में सुपर नान मागा से अपनी अदाकारी का आगाज किया। अपने डिब्यू के बाद से कोमल ने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किए। इब्तदाई तौर पर मरकजी किरदार अदा करने से पहले मामूली अदाकार के तौर पर मजाही किरदारों में वो अदाकार जगेश के छोटे भाई हैं, जिनके साथ इसने अक्सर पेशा बनाना तावन किया। कोमल 2016 की फिल्म डील राजा में पैदाइश 4 जुलाई 1973 में आसंद्रा टमकोर मिसोर स्टेट इनके कौमी हिंदुस्तानी पेशे। कोमल ने 1923 में फिल्म थावा रेगा बहरंगी में मामा अदाकार के लिए किरदार के लिए बेहतरीन मामा अदाकार को कर्नाटिक स्टेट फिल्म अवार्ड जीता। इसने 2006 में नेलो नाले में अपने अदाकारी के लिए साउथ फिल्म अवार्ड में जीता। इब्तदाई जिनकी खानदान कोमल सन्नतकारों के एक अच्छे खानदान में पैदा हुई। इसने ओची में अपनी तलीम कमल के तलीमी अदाकारों में दिलचस्पी खोने से पहले ही सोल सर्विस के इम्तना देने में दिलचस्पी ली। इसके बाद वो पुणे के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में सिनेमाटोग्राफी का कोर्स करना चाहते, लेकिन फ़नून में मेरे तलीमी पस मंजर की वजह से ऐसा करने में कासर है। इसके बाद उन्होंने छोटे किरदार में अदाकारी की। इसका भाई जगेश कैंडन सिनेमा में कायम अदाकार है। कोमल के भतीजे गुरुआज और इतराज में भी अदाकारी की। हेलिया अंसविया एक प्रोड्यूसर है जिन्होंने फिल्म का कुल मंजा प्रोड्यूस किया। इस जोड़े ने फिल्म को अपने होम बैंड सिंदूरिया लहरी कम्बाइंस के तहत रिलीज किया। कैरियर कोमल ने अपनी फिल्म कैरियर का आगाज अपने भाई की 1992 की फिल्म सुपर नान मागा में माउन किरदार अदा करते हुए किए। मिलिट्री मावा में मरकजी किरदार में कास्ट किया गया। 2003 में दक्कन हेराल्ड को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने याद किया, बदकिस्मती से फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और मैंने अदाकारी में दिलचस्पी खो दी, लेकिन मेरा भाई मुझे अदाकारी के मजीद काम की तरगीब देता रहा। ऊपर उन्होंने मजीद कहा, मेरे भाई जगेश सुभाषी के खिलाफ सोमा में विलन का किरदार जो मलाष्टी की बहन को लाष्टी ने इस कदर से रहा कि इसने मुझे अपनी अगली फिल्म रेडी कमीशन में अपने भाई के किरदार के रिकॉर्ड किया गया। दूसरी फिल्मों के एक सिलसिले के बाद जिनमें उन्होंने अदाकारी की वो अच्छी कारकर्दगी का
जाहिर करने में नाकाम है रही या इन्हें पहचान दिलाने में नाकाम रही। ये था विग्रह या बटंगी में था कि इन्हें अपने अदाकारी के लिए दाद मिली। इसके बाद इन्हें कथियागालू में कास्ट किया गया। कोमल ने मिस्टर गारागासा में मरकजी किरदार अदा किया था। हाँ, मैंने 2009 में रिलीज होने वाली चमके सी चंडी और जैसी मरकजी अदाकार के तौर पर वक्फा मिला, जिससे इनके बनाई उनकी अहल ने बना दिया। तब इसने मुरीदे रमना और कुल मंजा जैसी फिल्मों में एक सोलो हीरो के तौर पर काम किया। इनकी 2012 की फिल्म गोविंदा नामा की एक ब्लॉक बिस्टर करार दिया गया, जिसने इन्हें स्टार का दर्जा हासिल किया। पारुल यादव खुद पर मुश्तमिल गाना इंटरटेनमेंट वायरल हुआ। जाती नाकामियों के सिलसिले में कोमल ने हॉरर कॉमेडी नमो पथमा 2014 में काम किया। ऐसे परफॉर्मेंस जिसे नाकदीन से खूब सराहा गया। बंगलोर मिरर के श्याम प्रसाद एस ने महसूस किया कि कोमल अपना काम बखूबी करती है और ये कि यहाँ कोई हिस्ट्रोनिक्स नहीं जिसमें हर चीज़ को पॉइंट्स तक पहुँचाया जाए। फिल्म की रिलीज से कबल कोमल ने कहा था कि वो काम छोड़ देगी। कैंटन फिल्म में अगर ये जाती तौर पर नाकाम रही, एक अदाकार के तौर पर टाइप कास्ट होने के बाद सी ये सिर्फ मजाही किरदार अदा कर सकता था। कोमल ने पुलिस फिल्म में काम किया, वो नामी किरदार जिसको अदा करने के लिए इसने 26 किलोग्राम बहाया। कुछ सालों तक रिलीज ना होने के बाद कोमल कॉमेडी फिल्म एंजीमाने में नजर आई। इसने एक इंजीनियर वेंकटेश का किरदार अदा किया, जिसकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद शादी करना और इस तरह जिनसी तलाक का हासिल करना, जिसका बचपन से जुनून था। फिल्म को नागदीन की तरफ से अच्छी पसीरी मिली, जिन्होंने इसे बेकार कहा। हॉरर कॉमेडी नमो पथमा 2 में अर्जुन एक मजाक करने वाले एक मकामी टेलीविज़न चैनल के मालिक के तौर पर कुछ बदमाशों के साथ मजाक करने के बाद मुश्किल में पड़ जाता है। फिल्म को नागदीन की जान से मिले जुले जायजे मिले। साउथ फर्स्ट के शेक्सपियर सादास ने इसे फिल्म का वायद बचाने वाला फजल कहा, जबकि द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कोमल कुमार की मजाकिया टाइमिंग एक लाइफ लाइन के तौर पर काम करती है, जो कि बचत के फजल के तौर पर काम करती है, जो गैगिश के मिशमाश को जोड़ती है। इसकी मजाकिया चमक आपको मसरूफ़ रखती है, अक्सर अपने भाई जगेश के तासरात की याद दिलाती है। जिस भी फिल्मोग्राफी वाले जात बात आखिरी तरमीम 19 घंटे का बुद्रेश मोहन ने की मौत से सिपायासी के तहत दस्तयाब, जब तक कि दूसरे सुर में नोट ना किया जाए। राजधारी की पुलिस से इस्तेमाल करने की शायद डिस्ट्रक मैन मैंने खुले तलाश कर लिया। आर्टिकल टॉक्स बैन PDF डाउनलोड करें। कोमल सनतकारों के एक अच्छे खानदान में पैदा हुई थी। इस न्यूटी में अपनी तलीम कोमल के तलीमी इदारों में दिलचस्पी खोने से पहले ही सोल सर्विस के इम्तहान देने में दिलचस्पी ली। इसके बाद इसने वो पुणे के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में सिनेमाटोग्राफी का कोर्स करना चाहते थे, लेकिन फनून में मेरी तलीमी पस मंजर की वजह से ऐसा करने से कासर है। इसके बाद उन्होंने छोड़ने किरदार अदा करने में अदाकारी की। इसका भाई जगेश कैंडन शर्मा में कायम अदाकार कोमल के भतीजे गुरुराज और भतीराज भी हैं। इनके अली इंसवी हैं एक प्रोड्यूसर जिन्होंने फिल्म के मंजा प्रोड्यूस किए। इस जोड़े ने फिल्म को अपने होम बैंस द्रिया लहरी कम्बाइन से रिलीज़ किया। करियर कोमल ने अपनी फिल्म करियर का आगाज अपने भाई की 1992 में फिल्म सुपर नान मागा में मावन किरदार अदा करते हुए किया। मिल्ट्री मावा में ने मरकजी किरदार में वॉश किया गया। 2003 में दक्कन हेराल्ड के एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने याद किया, बदकिस्मती से फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और मैंने अदाकारी में दिलचस्पी खो दी, लेकिन मेरा भाई मुझे अदाकारी के मजीद काम करने की तरगीब देता रहा। ऊपर उन्होंने मजीद कहा, मेरे भाई जगेश सुभाषी के खिलाफ जुम्मा में विलन का किरदार जो मलाश्री के बयान कोई इस कदर सराहा गया, भाई के किरदार के लिए कोशिश किया गया। दूसरी फिल्मों के एक सिलसिले के बाद जिनमें उन्होंने अदाकारी की वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मैं नाकाम रहा, मैंने पहचाने में नाकाम रही था। विग्रह बजरंगी में था कि इन्हें अपनी अदाकारी के अंदाज मिली। इसके बाद इन्हें कथी का सारा में कोशिश किया गया। कोमल ने मिस्टर गारा गास्ता में मरकजी अदाकारी की। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज मैं आपके लिए जो मूवी लाई हूँ वो है नमो पथमा। नमो पथमा 2023 की हिंदुस्तानी कैंडन जुबान की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसकी हदायतकारी वी मुरली ने की है और इसमें कोमल लिखा चंद्रा गोविंदे गोडा ने अदाकारी की है। ये फिल्म नमो पथमा का रिक्वल है। नमो पथमा 2 के हदायतकार वी मुरली को संतोष शेखर स्टारिंग कोमल ने प्रोड्यूस किया है। लिखा चंद्र गोविंदे गोडा, सिनेमाटोग्राफी हलेश रे बजरिया, मेज म्यूजिक अरुण एंड्रयू, पैदावार कंपनी MS गोल्डन पिक्चर्स, बुक 147 मिनट, मुल्क हिंदुस्तान, जुबान कैनन, कोमल बतौर अर्जुन, लिखा चंद्र बतौर अमृता, गोविंदे गोडा बतौर गुरुदा वर्धन, रवि बतौर शरियास, मोनिका गोडा बतौर नन्नी, मितेश राघु रामायण कोपा, साउंड ट्रैक म्यूजिक अरुण
एंड रोहित ने तरतीब दी है ड्रैक की फ्रिस नंबर तक बाले मंत्र मेम कर दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस टेक नकाद ने लिखा है कि गजब फिल्म भी ए फतह हासिल नहीं कर सकती लेकिन कोमल कुमार की मौजूदगी इसे किसी हद तक देखने के काबिल बनाती है इसलिए अपने आप को रोना घर जाने के लिए तैयार करें लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब आप खुश मजाक लतीफ़ों से हंसी तलाश कर रहे हों क्योंकि रोने से ज़्यादा टाइम्स ऑफ इंडिया के एक नकार ने लिखा है अगर आप मवाद पर मबनी फिल्मों में बिजार हैं कुछ मुख्तलिफ तलाश कर रहे हैं जिससे हंसी और डराने के भी अच्छे मकदार पैदा हों तो थिएटर में नमो मुसलमा डू का लुत्फ उठाया जा सकता है। दक्कन हेराल्ड के एक नकार ने लिखा है कि स्लिपस्टिक कॉमेडी कभी हंसी को जन्म देती है लेकिन ना जायका इसे नीचे लाता है। फिल्म एक उम्मीद अफजा बुनियाद के साथ शुरू होती है लेकिन दिलकश बयानियों की कमी की वजह से नाकाम रहती है। दी साउथ फर्स्ट के एक नकार ने लिखा है कि अदाकार कोमल कुमार अपनी पिछली हिट फॉर कॉमेडी नमो सतमा के सिक्वल में बहुत बचत हवाला जज्ब में तरमीम करे शारदा ए नमो सतमा टू फिल्म का जायजा कोमल कुमार ने इस कमज़ोर हॉर कॉमेडी को एंकर किए दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस 5 अगस्त 2023 को असल जारकिश्ता 5 अगस्त 2023 को हासिल किया गया नमो सतमा टू मूवी रिव्यू है हेरो की मजाया कहानी टाइम्स ऑफ इंडिया एक उम्मीद अफजा अलग गलत हो गया दखन हर 4 अगस्त 2023 ग्यारह मुतों का एक जायजा नमो सतमा खौफनाक मामला जो नाकाबिल बर्दाश्त तौर पर 2 घंटे से ज़्यादा परेशान रहता है सबसे पहले असल सारकिश्ता 2023 अगस्त 5 नूबी को असल सारकिश्ता 2023 अगस्त 5 बिरने आखिर तरमीम 19 घंटे कबल त्रेश मोहन ने की मुतलका मजामी कोमल अदाकार नमो बतमा 2014 भारतीय फिल्म लिफ्ट कोटा 2010 भारतीय फिल्म मौसी सिब ऐसे के तहत दस्तियाब जब तक के दूसरे सुर में नोट ना किया जाए राजधारी पुलिस से इस्तेमाल करने की शराब डिस्ट्रक्ट मैन मैंने खोले आर्टिकल टॉक्स बन PDF डाउनलोड करें। कोमल कुमार जो कि कोमल के नाम से जाना जाता है एक हिंदुस्तानी अदाकार फिल्म प्रोड्यूसर है जो कैंडन सिनेमा में अपने काम के लिए मशहूर है। उन्होंने 1999 में सुपर नान मागा से अपनी अदाकारी का आगाज किया। अपने डिब्यू के बाद से कोमल ने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किए। इब्तदाई तौर पर मरकजी किरदार अदा करने से पहले मामूल अदाकार के तौर पर मजाया किरदारों में वो अदाकार जगेश के छोटे भाई हैं जिनके साथ इसने अक्सर पेशा बनाना तावन किया। कोमल 2016 की फिल्म डील राजा में पैदाइश 4 जुलाई 1973 में सुंदरा टमकोर मिसोर स्टेट इनके कौमी हिंदुस्तानी पेशे। कोमल ने 1923 में फिल्म थावा रेगा बहरंगी में मामा अदाकार के लिए किरदार के लिए बेहतरीन मामा अदाकार को कर्नाटिक स्टेट फिल्म अवार्ड जीता। इसने 2006 में नेडो नाले में अपने अदाकारी के लिए साउथ फिल्म अवार्ड में जीता। इब्तदाई जिनकी खानदान जिनकी कमल सन्नतकारों के एक अच्छे खानदान में पैदा हुई। इसने ओची में अपनी तलीम कमल के तलीमी अदाकारों में दिलचस्पी खोने से पहले ही सिविल सर्विस के इम्तना देने में दिलचस्पी ली। इसके बाद वो पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में सिनेमाटोग्राफी का कोर्स करना चाहते लेकिन फ़नून में मेरे तलीमी पस मंजर की वजह से ऐसा करने में कासर है। इसके बाद उन्होंने छोटे किरदार में अदाकारी की। इसका भाई जगेश कैंडन सिनेमा में कायम अदाकार है। कोमल के भतीजे गुरुआज और इतराज में भी अदाकारी के हेलिया अंसविया एक प्रोड्यूसर है जिन्होंने फिल्म का कुल मंजा प्रोड्यूस किया। इस जोड़े ने फिल्म को अपने होम बैंड सिंदूरिया लहरी कम्बाइंस के तहत रिलीज़ किया। कैरियर कोमल ने अपनी फिल्म कैरियर का आगाज अपने भाई की 1992 की फिल्म सुपर नान मागा में माउन किरदार अदा करते हुए कि मिलिट्री मावा में मरकजी किरदार में कास्ट किया गया। 2003 में दक्कन हेराल्ड को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने याद किया बदकिस्मती से फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और मैंने अदाकारी में दिलचस्पी खो दी लेकिन मेरा भाई मुझे अदाकारी के मजीद काम की तरगीब देता रहा। ऊपर उन्होंने मजीद कहा मेरे भाई जगेश सुभाषी के खिलाफ सोमा में विलन का किरदार जो मलाष्टी की बहन को लाष्टी ने इस कदर से रहा कि इसने मुझे अपनी अगली फिल्म रेडी कमीशन में अपने भाई के किरदार के रिकॉर्ड किया गया। दूसरी फिल्मों के एक सिलसिले के बाद जिनमें उन्होंने अदाकारी की वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने में नाकाम है रही या इन्हें पहचान दिलाने में नाकाम रही। ये था विग्रह या बटंगी में था कि इन्हें अपनी अदाकारी के लिए दाद मिली। इसके बाद इन्हें कथियागालू में कास्ट किया गया। कोमल ने मिस्टर गारागासा में मरकजी किरदार अदा किया। तहम इन्हें 2009 में रिलीज होने वाली चमकेसी चंडी और जैसी मरकजी अदाकार के तौर पर वक्फा मिला जिससे इनके बनाई उनकी अहले ने बना दिया। तब इसने मुरीदे रमना और कुल मंजा जैसी फिल्मों में एक सोलो हीरो के तौर पर काम किया। इनकी 2012 की फिल्म गोविंदा नामा की एक ब्लॉकबस्टर करार दिया गया जिसने इन्हें स्टार का दर्जा हासिल किया। पारुल यादव खुद पर मुश्तमिल गाना इंटरटेनमेंट वायरल हुआ। जाती नाकामियों के सिलसिले में कोमल ने हॉरर कॉमेडी बनमू पथमा 2014 में काम किया।
ऐसे परफॉर्मेंस जिसे नकदीन से खूब सराहा गया। बंगलोर मिरर के श्याम प्रसाद एस ने महसूस किया कि कोमल अपना काम बखूबी करती है और ये कि यहाँ कोई हिस्ट्रोनिक्स नहीं जिसमें हर चीज़ को पॉइंट्स तक पहुँचाया जाए। फिल्म की रिलीज से कबल कोमल ने कहा था कि वो काम छोड़ देगी। कैंटन फिल्में अगर ये जाती तौर पर नाकाम रही, एक अदाकार के तौर पर टाइप कॉस्ट होने के बाद सी ये सिर्फ मजाही किरदार अदा कर सकता था। कोमल ने पुलिस फिल्म में काम किया वो नामी किरदार जिसको अदा करने के लिए इसने 26 किलोग्राम बहाया। कुछ सालों तक रिलीज ना होने के बाद कोमल कॉमेडी फिल्म एंट्रीमाने में नजर आई। इसने एक इंजीनियर वेंकटेश का किरदार अदा किया जिसकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद शादी करना और इस तरह जिनसी तलाक का हासिल करना जिसका बचपन से जुनून था। फिल्म को नागदीन की तरफ से अच्छी पसीरी मिली जिन्होंने इसे बेकार कहा। हॉरर कॉमेडी नमो थत्मा टू में अर्जुन एक मजाक करने वाले एक मकामी टेलीविज़न चैनल के मालिक के तौर पर कुछ बदमाशों के साथ मजाक करने के बाद मुश्किल में पड़ जाता है। फिल्म को नागदीन की जान से मिले जुले जायजे मिले। साउथ फर्स्ट के शेक्सपियर साद एस ने इसे फिल्म का वायद बचाने वाला फजल कहा जबकि द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कोमल कुमार की मजाकिया टाइमिंग एक लाइफ लाइन के तौर पर काम करती है जो कि बचत के फजल के तौर पर काम करती है जो गैगिश के मिशमाश को जोड़ती है। इसकी मजाकिया चमक आपको मसरूफ़ रखती है अक्सर अपने भाई जगेश के तासरात की याद दिलाती है जिस भी फिल्मोग्राफी वाले जात जवाब तक आखिरी तरमीम 19 घंटे का बुद्रेश मोहन ने की मुआसी सी बयासी के तहत दस्तयाब जब तक कि दूसरे सुर में नोट ना किया जाए। राजधारी की पुलिस से इस्तेमाल करने की शर्त डिस्ट्रक मैंने खुले तलाश करी आर्टिक टॉक्स बैंड PDF डाउनलोड करें। कोमल सनतकारों के एक अच्छे खानदान में पैदा हुई थी। इस न्यूटी में अपनी तलीम कोमल के तलीमी इदारों में दिलचस्पी खोने से पहले ही सोल सर्विस के इम्तहान देने में दिलचस्पी ली। इसके बाद इसने वो पुणे के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में सिनेमाटोग्राफी का कोर्स करना चाहते थे लेकिन फनून में मेरी तलीमी पस मंजर की वजह से ऐसा करने से कासर है। इसके बाद उन्हें छोड़ने किरदार अदा करने में अदाकारी किसका भाई जगेश कैंडन शर्मा में कायम अदाकार कोमल के भतीजे गुरुराज और भतीराज भी हैं। इनके अली अंसवी हैं एक प्रोड्यूसर जिन्होंने फिल्म के मंजा प्रोड्यूस किए। इस जोड़े ने फिल्म को अपने होम बैंस द्रिया लहरी कम्बाइन से रिलीज़ किया। करियर कोमल ने अपनी फिल्म करियर का आगाज अपने भाई की 1992 में फिल्म सुपर नान मागा में मामन किरदार अदा करते हुए किया। मिल्ट्री मावा में ने मरकजी किरदार में वॉश किया गया। 2003 में दक्कन हेराल्ड के एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने याद किया बदकिस्मती से फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और मैंने अदाकारी में दिलचस्पी खो दी लेकिन मेरा भाई मुझे अदाकारी के मजीद काम करने की तरगीब देता रहा। ऊपर उन्होंने मजीद कहा मेरे भाई जगेश सुभाषी के खिलाफ जुम्मा में विलन का किरदार जुमलाश्री के बयान कोई इस कदर से रहा गया भाई के किरदार के लिए कोशिश किया गया। दूसरी फिल्मों के एक सिलसिले के बाद जिनमें उन्होंने अदाकारी की वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मैं नाकाम रहा मैंने पहचाने में नाकाम रही था विग्रह बजंगी में था कि इन्हें अपनी अदाकारी के अंदाज मिली। इसके बाद इन्हें कथी का सारा में कोशिश किया गया। कोमल ने मिस्टर गारा का असम में मरकजी अदाकारी की। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे खुश होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज मैं आपके लिए जो मूवी लाई हूँ वो है नमो भी थत्मा 2। 2023 की हिंदुस्तानी कैंडन जुबान की हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसकी हदायतकारी वी मुरली ने की है और इसमें कोमल लिखा चंद्रा गोविंदे गोडा ने अदाकारी की है। ये फिल्म नमो भी थत्मा का रिक्वल है। नमो भी थत्मा 2 के हदायतकार वी मुरली को संतोष शेखर स्टारिंग कोमल ने प्रोड्यूस किया है। लिखा चंद्र गोविंदे गोडा सिनेमाटोग्राफी हलेश रे बजरिया मेज म्यूजिक अरुण एंड्रयू पैदावर कंपनी MS गोल्डन प्रोडक्शंस वक्त 4:41 मिनट मुल्क हिंदुस्तान जुबान कैनन कोमल बतौर अर्जुन लिखा चंद्र बतौर अमृता गोविंदे गोडा बतौर गुरुदा वर्धन रवि बतौर शरियास मोनिका गोडा बतौनी मितेश राघु रामायण कोपा साउंड ट्रैक रे म्यूजिक अरुण एंड्रयू ने तरतीब दी है। ड्रैक की फ्लिस नंबर तक बाले में तरमीम कर दी। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एक नकाद ने लिखा है कि गजब फिल्म भी ऐ फतह हासिल नहीं कर सकती लेकिन कोमल कुमार की मौजूदगी इसे किसी हद तक देखने के काबिल बनाती है। इसलिए अपने आप को रोना घर जाने के लिए तैयार करें लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब आप खुश मजाक लतीफ़ों से हंसी तलाश कर रहे हों क्योंकि रोने से ज़्यादा। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक नकार ने लिखा है अगर आप मौत पर मबनी फिल्मों में बिजार हैं कुछ मुख्तलिफ तलाश कर रहे हैं जिससे हंसी और डराने के भी अच्छे मकदार पैदा हों तो थिएटर में नमो भी थत्मा 2 का लुत्फ उठाया जा सकता है। दक्कन हेराल्ड के एक नकार ने लिखा है कि स्लैपस्टिक कॉमेडी कभी हंसी को जन्म देती है लेकिन नाज़ुक जायका इसे नीचे लाता है। फिल्म एक उम्मीद अफजा बुनियाद के साथ शुरू होती है लेकिन दिलकश बयानियों की कमी की वजह से नाकाम रहती है।
साउथ फर्स्ट केक निकालने हैं। लिखा है कि अदाकार कोमल कुमार अपनी पिछली हिट फॉर कॉमेडी नमो सतमा के सिक्वल में बहुत बचत हवाला जिसमें तरमीम करे शारदा ए नमो सतमा टू फिल्म का जायजा। कोमल कुमार ने इस कमज़ोर हॉर कॉमेडी को एंकर किए दिन इंडियन एक्सप्रेस 5 अगस्त 2023 को असल जारकिश्ता 5 अगस्त 2023 को हासिल किया गया। नमो सतमा टू मूवी रिव्यू है ए हेर की मजाया कहानी टाइम्स ऑफ इंडिया एक उम्मीद अफजात अलग गलत हो गया दखन 4 अगस्त 2023 11 मुतों का एक जायजा नमो सतमा खौफनाक मामला जो नाकाबिल बर्दाश्त तौर पर 2 घंटे से ज़्यादा परेशान रहता है। सबसे पहले असल शहर कृष्णा 2023 अगस्त 5 नूबी को असल शहर कृष्णा 2023 अगस्त 5 बिने वाप्ताख से तरमीम 19 घंटे कबल त्रेश मोहन ने की मुतलका मजामी कोमल अदाकार नमो बतमा 2014 भारतीय फिल्म लिफ्ट कोटा 2010 भारतीय फिल्म मौजी सिब ऐसे के तहत दस्तियाब जब तक के दूसरे सुर में नोट ना किया जाए। राजधारी पुलिस से इस्तेमाल करने की शराब डिस्ट्रक्ट मैन मैंने खोले आर्टिकल टॉक्स बन PDF डाउनलोड करें। कोमल कुमार जो कि कोमल के नाम से जाना जाता है एक हिंदुस्तानी अदाकार फिल्म प्रोड्यूसर है जो कन्नड़ सिनेमा में अपने काम के लिए मशहूर है। उन्होंने 1999 में सुपर नान मागा से अपनी अदाकारी का आगाज किया। अपने डेब्यू के बाद से कोमल ने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किए। इब्तदाई तौर पर मरकजी किरदार अदा करने से पहले मामा अदाकार के तौर पर मजाया किरदारों में वो अदाकार जगेश के छोटे भाई हैं जिनके साथ इसने अक्सर पेशा बनाना तावन किया। कोमल 2016 की फिल्म डील राजा में पैदाइश 4 जुलाई 1973 में सिंद्रा टमकोर मिसोर स्टेट इनके कौमी हिंदुस्तानी पेशे। कोमल ने 1923 में फिल्म थावा रेगा बहरंगी में मामा अदाकार के लिए किरदार के लिए बेहतरीन मामा अदाकार को कर्नाटक स्टेट फिल्म अवार्ड जीता। इसने 2006 में नेंडो नाले में अपने अदाकारी के लिए साउथ फिल्म अवार्ड्स में जीता। इब्तदाई जिनकी खानदान जिनकी कमल सन्नतकारों के एक अच्छे खानदान में पैदा हुई। इसने ओची में अपनी तलीम कमल के तलीमी अदाकारों में दिलचस्पी खोने से पहले ही सोल सर्विस के इम्तना देने में दिलचस्पी ली। इसके बाद वो पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में सिनेमाटोग्राफी का कोर्स करना चाहते लेकिन फ़िरून में मेरे तलीमी पस मंजर की वजह से ऐसा करने में कासर है। इसके बाद उन्होंने छोटे किरदार में अदाकारी की। इसका भाई जगेश कैन शर्मा में कायम अदाकार है। कोमल के भतीजे गुरुआज और इतराज में भी अदाकारी के हालिया अंसविया एक प्रोड्यूसर है जिन्होंने फिल्म का कुल मंजा प्रोड्यूस किया। इस जोड़े ने फिल्म को अपने होम बैंड सिंदूरिया लहरी कम्बाइंस के तहत रिलीज़ किया। कैरियर कोमल ने अपनी फिल्म कैरियर का आगाज अपने भाई की 1992 की फिल्म सुपर नान मागा में मावन किरदार अदा करते हुए किए। मिलिट्री मावा में मरकजी किरदार में कास्ट किया गया। 2003 में दक्कन हेराल्ड को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने याद किया बदकिस्मती से फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और मैंने अदाकारी में दिलचस्पी खो दी लेकिन मेरा भाई मुझे अदाकारी के मजीद काम की तरगीब देता रहा। ऊपर उन्होंने मजीद कहा मेरे भाई जगेश सुभाषी के खिलाफ सोमा में विलन का किरदार जो मलाष्टी की बहन को लाश ने इस कदर से रहा कि इसने मुझे अपनी अगली फिल्म लेडी कमिश्नर में अपने भाई के किरदार के रिकॉर्ड किया गया। दूसरी फिल्मों के एक सिलसिले के बाद जिनमें उन्होंने अदाकारी की वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने में नाकाम है रही या इन्हें पहचान दिलाने में नाकाम रही। ये था विग्रह या बटंगी में था कि इन्हें अपनी अदाकारी के लिए दाद मिली। इसके बाद इन्हें कथियागालू में कास्ट किया गया। कोमल ने मिस्टर गारागासा में मरकजी किरदार अदा किया था। हाँ मैंने 2009 में रिलीज होने वाली चमकेसी चंडी और जैसी मरकजी अदाकार के तौर पर वक्फा मिला जिससे इनके बनाई उनके अले ने बना दिया। तब इसने मुरीदे रमना और कुल मंजा जैसी फिल्मों में एक सोलो हीरो के तौर पर काम किया। इनकी 2012 की फिल्म गोविंदा नामा की एक ब्लॉक बिस्टर करार दिया गया जिसने इन्हें स्टार का दर्जा हासिल किया। पारुल यादव खुद पर मुश्तमिल गाना इंटरटेनमेंट वायरल हुआ। जाती नाकामियों के सिलसिले में कोमल ने हॉरर कॉमेडी बना मुह पथमा 2014 में काम किया। ऐसे परफॉर्मेंस जिसे नाकदीन से खूब सराहा गया। बंगलोर मिरर के श्याम प्रसाद एस ने महसूस किया कि कोमल अपना काम बखूबी करती है और ये कि यहाँ कोई हिस्ट्रोनिक्स नहीं जिसमें हर चीज़ को पॉइंट्स तक पहुँचाया जाए। फिल्म की रिलीज से कबल कोमल ने कहा था कि वो काम छोड़ देगी। कैंटन फिल्में अगर ये जाती तौर पर नाकाम रही एक अदाकार के तौर पर टाइप कॉस्ट होने के बाद सी ये सिर्फ मजाही किरदार अदा कर सकता था। कोमल ने पुलिस फिल्म में काम किया वो नामी किरदार जिसको अदा करने के लिए इसने 26 किलोग्राम बहाया। कुछ सालों तक रिलीज ना होने के बाद कोमल कॉमेडी फिल्म एंड्रीमाने में नजर आई। इसने एक इंजीनियर वेंकटेश का किरदार अदा किया जिसकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद शादी करना और इस तरह जिनसी तलाक का
हासिल करना, जिसका बचपन से जुनून था। फिर हमको नागदीन की तरफ से अच्छी पसीरी मिली, जिन्होंने इसे बेकार कहा। हॉरर कॉमेडी नंबर वो था टू में अर्जुन एक मजाक करने वाले एक मकामी टेलीविज़न चैनल के मालिक के तौर पर कुछ बदमाशों के साथ मजाक करने के बाद मुश्किल में पड़ जाता है। फिल्म को नागदीन की जान से मिले जुले जायजे मिले। साउथ फर्स्ट के शेक्सपियर सादास ने इसे फिल्म का वायद बचाने वाला फजल कहा, जबकि द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कोमल कुमार की मजाकिया टाइमिंग एक लाइफ लाइन के तौर पर काम करती है, जो कि बचत के फजल के तौर पर काम करती है, जो गैगश के मिशमाश को जोड़ती है। इसकी मजाकिया चमक आपको मसरूफ़ रखती है, अक्सर अपने भाई जगेश के तासरात की याद दिलाती है, जिस भी फिल्मोग्राफी वाले जात जवाब तक आखिरी तरमीम 19 घंटे का बुद्रेश मोहन ने की। मुआवजे से 82 के तहत दस्तियाब जब तक कि दूसरे सुर में नोट ना किया जाए। राजधारी की पुलिस से इस्तेमाल करने की शर्त डिस्ट्रक में मैंने खुले तलाश करी। आर्टिकल टॉक्स बैंड PDF डाउनलोड करें। कोमल सनतकारों के एक अच्छे खानदान में पैदा हुई थी। इस न्यूटी में अपनी तलीम कोमल के तलीमी इदारों में दिलचस्पी खोने से पहले ही सोल सर्विस के इम्तहान देने में दिलचस्पी ली। इसके बाद इसने वो पुणे के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में सिनेमाटोग्राफी का कोर्स करना चाहते थे, लेकिन फनून में मेरी तलीमी पस मंजर की वजह से ऐसा करने से कासर है। इसके बाद उन्होंने छोड़ने किरदार अदा करने में अदाकारी की। इसका भाई जगेश किरण शर्मा में कायम अदाकार कोमल के भतीजे गुरुराज और भतीराज भी हैं। इनके लिए एक प्रोड्यूसर जिन्होंने फिल्म के मंजा प्रोड्यूस किए। इस जोड़े ने फिल्म को अपने होम बैंस द्रिया लहरी कम्बाइन से रिलीज किया। करियर कोमल ने अपनी फिल्म करियर का आगाज अपने भाई की 1992 में फिल्म सुपर नाम मागा में मामन किरदार अदा करते हुए किया। मिल्ट्री मावा में ने मरकजी किरदार में वॉश किया गया। 2003 में दक्कन हेराल्ड के एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने याद किया, बदकिस्मती से फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और मैंने अदाकारी में दिलचस्पी खो दी, लेकिन मेरा भाई मुझे अदाकारी के मजीद काम करने की तरगीब देता रहा। ऊपर उन्होंने मजीद कहा, मेरे भाई जगेश सुभाषी के खिलाफ जुम्मा में विलन का किरदार जुमलाशी के बयान को इस कदर से रहा गया। भाई के किरदार के लिए कोशिश किया गया दूसरी फिल्मों के एक सिलसिले के बाद, जिनमें उन्होंने अदाकारी की वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मैं नाकाम रहा। मैंने पहचाने में नाकाम रही था विग्रे बजंगी में था कि इन्हें अपनी अदाकारी के अंदाज मिली। इसके बाद इन्हें कथी का सारा में कोशिश किया गया। कोमल ने मिस्टर गारा का सामने मरकजी अदाकारी की। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज मैं आपके लिए जो मूवी लाई हूँ वो है नमो भी थत्मा 2। 2023 की हिंदुस्तानी कैंडन जुबान की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसकी हदायतकारी वी मंडली ने की है और इसमें कोमल लिखा चंद्रा गोविंदे गोडा ने अदाकारी की है। ये फिल्म नमो भी थत्मा का रिगुल है। नमो भी थत्मा 2 के हदायतकार वी मंडली को संतोष शेखर स्टारिंग कोमल ने प्रोड्यूस किया है। लिखा चंद्र गोविंदे गोडा, सिनेमाटोग्राफी हलेश रे बजरिया, मेज म्यूजिक अरुण एंड्रयू, पैदावार कंपनी MS गोल्डन प्रोडक्शन, वक्त 4:41 मुल्क हिंदुस्तान, जुबान कैनन, कोमल बतौर अर्जुन, लिखा चंद्र बतौर अमृता, गोविंदे गोडा बतौर गुरुदा वर्धन, रवि बतौर शरियास, मोनिका गोडा बतौनी, मितेश राघु रामाया कोपा, साउंड ट्रैक रे म्यूजिक अरुण एंड्रयू ने तरतीब दी है। ड्रैक रिफ्लिस नंबर तक बाले में तरमीम कर दी। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एक नकाद ने लिखा है कि गजब फिल्म भी ऐ फतह हासिल नहीं कर सकती, लेकिन कोमल कुमार की मौजूदगी इसे किसी हद तक देखने के काबिल बनाती है। इसलिए अपने आप को रोना घर जाने के लिए तैयार करें, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब आप खुश मजाक लतीफ़ से हंसी तलाश कर रहे हों, क्योंकि रोने से ज़्यादा। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक नकार ने लिखा है, अगर आप मौत पर मबनी फिल्मों में बिजार हैं, कुछ मुख्तलिफ तलाश कर रहे हैं जिससे हंसी और डराने के भी अच्छे मकदार पैदा हों, तो थिएटर में नमो भी थत्मा 2 का लुत्फ उठाया जा सकता है। दक्कन हेराल्ड के एक नकार ने लिखा है कि स्लैपस्टिक कॉमेडी कभी हंसी को जन्म देती है, लेकिन नाज़ुक जायका इसे नीचे लाता है। फिल्म एक उम्मीद अफजा बुनियाद के साथ शुरू होती है, लेकिन दिलकश बयानियों की कमी की वजह से नाकाम रहती है। दी साउथ फर्स्ट के एक नकार ने लिखा है कि अदाकार कोमल कुमार अपनी पिछली हिट फॉर कॉमेडी नमो भी थत्मा के सिक्वल में बहुत बचत हवाला जज में तरमीम करे। शारदा ए नमो भी थत्मा 2 फिल्म का जायजा, कोमल कुमार ने इस कमज़ोर हॉर कॉमेडी को एंकर किए। दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस 5 अगस्त 2023 को हासिल किया गया। 5 अगस्त 2023 को हासिल किया गया नमो भी थत्मा 2 मूवी रिव्यू है। हेरल की मजाया कहानी टाइम्स ऑफ इंडिया एक उम्मीद अफजा थलग गलत हो गया। दखन हराल 4 अगस्त 2023 11 बुद्ध का एक जायजा है। नमो भी थत्मा खौफनाक मामला जो नाकाबिल बर्दाश्त तौर पर 2 घंटे से ज़्यादा परेशान रहता है। सबसे पहले असल से कृष्ण 2023 अगस्त 5 नूबी कौशल से कृष्ण 2023 अगस्त 5 बिरने तरमीम
19 घंटे कब्र त्रेश मोहन ने किमतल कम जमीन कोमल अदाकार नमो बतमा 2014 भारतीय फिल्म लिफ्ट कोटा 2010 भारतीय फिल्म मौसी सिब ऐसे के तहत दस्तयाब जब तक के दूसरे सुर में नोट ना किया जाए राजधारी पुलिस से स्मार्ट करने की शायद डिस्ट्रक्ट मैन मैंने खोले आर्टिकल टॉक्स बन PDF डाउनलोड करें। कोमल कुमार जो के कोमल के नाम से जाना जाता है एक हिंदुस्तानी अदाकार फिल्म प्रोड्यूसर है जो कंडन सिनेमा में अपने काम के लिए मशहूर है। उन्होंने 1999 में सुपर नान मागा से अपनी अदाकारी का आगाज किया। अपने डिब्यू के बाद से कोमल ने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। इब्तदाई तौर पर मरकजी किरदार अदा करने से पहले मामा अदाकार के तौर पर मजाया किरदारों में वो अदाकार जगेश के छोटे भाई हैं जिनके साथ इसने अक्सर पेशा बनाना तावन किया। कोमल 2016 की फिल्म डील राजा में पैदाइश 4 जुलाई 1973 में सुंदरा टमकोर मिसोर स्टेट इनके कौमी हिंदुस्तानी पेशे। कोमल ने 1903 में फिल्म थावा रेगा बहरंगी में मामा अदाकार के लिए किरदार के लिए बेहतरीन मामा अदाकार को कर्नाटक स्टेट फिल्म अवार्ड जीता। इसने 2006 में नाले में अपने अदाकारी के लिए साउथ फिल्म अवार्ड्स में जीता। इब्तदाई जिनकी खानदान जिनकी कमल सनतकारों के एक अच्छे खानदान में पैदा हुई। इसने ओची में अपनी तलीम कमल के तलीमी अदाकारों में दिलचस्पी खोने से पहले ही सिविल सर्विस के इम्तहान देने में दिलचस्पी ली। इसके बाद वो पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में सिनेमाटोग्राफी का कोर्स करना चाहते लेकिन फ़नून में मेरे तलीमी पस मंजर की वजह से ऐसा करने में कासर है। इसके बाद उन्होंने छोटे किरदार में अदाकारी की। इसका भाई जगेश कैन शर्मा में कायम अदाकार है। कोमल के भतीजे गुरुआज और इतराज में भी अदाकारी की। हालिया अनसुईया एक प्रोड्यूसर है जिन्होंने फिल्म का कुल मंजा प्रोड्यूस किया। इस जोड़े ने फिल्म को अपने होम बैंड सिंदूरिया लहरी कम्बाइंस के तहत रिलीज किया। कैरियर कोमल ने अपनी फिल्म कैरियर का आगाज अपने भाई की 1992 की फिल्म सुपर नान मागा में माउन किरदार अदा करते हुए कि मिलिट्री मावा में मरकजी किरदार में कास्ट किया गया। 2003 में दक्कन हेराल्ड को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने याद किया बदकिस्मती से फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और मैंने अदाकारी में दिलचस्पी खो दी लेकिन मेरा भाई मुझे अदाकारी के मजीद काम की तरगीब देता रहा। ऊपर उन्होंने मजीद कहा मेरे भाई जगेश सुभाषी के खिलाफ सोमा में विलन का किरदार जो मलाश्री की बहन को लाश ने इस कदर से रहा कि इसने मुझे अपनी अगली फिल्म लेडी कमीशन में अपने भाई के किरदार के रिकॉर्ड किया गया। दूसरी फिल्मों के एक सिलसिले के बाद जिनमें उन्होंने अदाकारी की वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने में नाकाम है रही या इन्हें पहचान दिलाने में नाकाम रही। ये था विग्रह या बटंगी में था कि इन्हें अपनी अदाकारी के लिए दाद मिली। इसके बाद इन्हें कथियागालू में कास्ट किया गया। कोमल ने मिस्टर गारागासा में मरकजी किरदार अदा किया था। हाँ मैंने 2009 में रिलीज होने वाली चमके सी चंडी और जैसी मरकजी अदाकार के तौर पर वक्फा मिला जिससे इनके बनाई उनकी अले ने बना दिया। तब इसने मुरीदे रमना और कुल मंजा जैसी फिल्मों में एक सोलो हीरो के तौर पर काम किया। इनकी 2012 की फिल्म गोविंदा नामा की एक ब्लॉक बिस्टर करार दिया गया जिसने इन्हें स्टार का दर्जा हासिल किया। पारुल यादव खुद पर मुश्तमिल गाना इंटरटेनमेंट वायरल हुआ। तजाती नाकामियों के सिलसिले में कोमल ने हॉरर कॉमेडी बना मुह बतमा 2014 में काम किया। ऐसे परफॉर्मेंस जिसे नाकदीन से खूब सराहा गया। बंगलोर मिरर के श्याम प्रसाद एस ने महसूस किया कि कोमल अपना काम बखूबी करती है और ये कि यहाँ कोई हिस्ट्रोनिक्स नहीं जिसमें हर चीज़ को पॉइंट्स तक पहुँचाया जाए। फिल्म की रिलीज से कबल कोमल ने कहा था कि वो काम छोड़ देगी। कैंटन फिल्में अगर ये जाती तौर पर नाकाम रही एक अदाकार के तौर पर टाइप कॉस्ट होने के बाद सी ए सिर्फ मजाही किरदार अदा कर सकता था। कोमल ने पुलिस फिल्म में काम किया वो नामी किरदार जिसको अदा करने के लिए इसने 26 किलोग्राम बहाया। कुछ सालों तक रिलीज ना होने के बाद कोमल कॉमेडी फिल्म एंट्रीमाने में नजर आई। इसने एक इंजीनियर वेंकटेश का किरदार अदा किया जिसकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद शादी करना और इस तरह जिनसे तलाक का हासिल करना जिसका बचपन से जुनून था। फिल्म को नागदीन की तरफ से अच्छी पजीरी मिली जिन्होंने इसे बेकार कहा। हॉरर कॉमेडी नमो बतमा 2 में अर्जुन एक मजाक करने वाले एक मकामी टेलीविज़न चैनल के मालिक के तौर पर कुछ बदमाशों के साथ मजाक करने के बाद मुश्किल में पड़ जाता है। फिल्म को नागदीन की जाने से मिले जुले जायजे मिले। साउथ फर्स्ट के शेक्सपियर साद एस ने इसे फिल्म का वायद बचाने वाला फजल कहा जबकि द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कोमल कुमार की मजाकिया टाइमिंग एक लाइफ लाइन के तौर पर काम करती है जो कि बचत के फजल के तौर पर काम करती है जो गैगिश के मिशमाश को जोड़ती है। इसकी मजाकिया चमक आपको मसरूफ़ रखती है अक्सर अपने भाई जगेश के तासरात की याद दिलाती है जिस भी फिल्मोग्राफी वाले जात भी जवाब तक
आखिरी तरमीम 19 घंटे का ब्रेश मोहन ने की। मौत से सिर्फ 82 के तहत दस्तियाब जब तक कि दूसरे सुर में नोट ना किया जाए। राजधारी की पुलिस से इस्तेमाल करने की डिस्ट्रक्ट में मैंने खुले तलाश करी। आर्टिकल टॉक्स बैंड PDF डाउनलोड करें। कोमल सनतकारों के एक अच्छे खानदान में पैदा हुई थी। इस न्यूटी में अपनी तलीम कोमल के तलीमी इदारों में दिलचस्पी खोने से पहले ही सोल सर्विस के इम्तहान देने में दिलचस्पी ली। इसके बाद इसने वो पुणे के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में सिनेमाटोग्राफी का कोर्स करना चाहते थे, लेकिन फनून में मेरी तलीमी पस मंजर की वजह से ऐसा करने से कासर है। इसके बाद उन्होंने छोड़ने किरदार अदा करने में अदाकारी की। इसका भाई जगेश किरण शर्मा में कहा अदाकार कोमल के भतीजे गुरुराज और भतीराज भी हैं। इनके लिए इंसवी एक प्रोड्यूसर जिन्होंने फिल्म के मंजा प्रोड्यूस किए। इस जोड़े ने फिल्म को अपने होम बैंस द्रिया लहरी कम्बाइन से रिलीज किया। करियर कोमल ने अपनी फिल्म करियर का आगाज अपने भाई की 1992 में फिल्म सुपर नान मागा में मावन किरदार अदा करते हुए किया। मिल्ट्री मावा में ने मरकजी किरदार में वॉश किया गया। 2003 में दक्कन हेराल्ड के एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने याद किया, बदकिस्मती से फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और मैंने अदाकारी में दिलचस्पी खो दी, लेकिन मेरा भाई मुझे अदाकारी के मजीद काम करने की तरगीब देता रहा। ऊपर उन्होंने मजीद कहा मेरे भाई जगेश सुभाषी के खिलाफ जुम्मा में विलन का किरदार जुमलाश्री के बयान को इस कदर सराहा गया। भाई के किरदार के लिए कोशिश किया गया दूसरी फिल्मों के एक सिलसिले के बाद जिनमें उन्होंने अदाकारी की वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मैं नाकाम रहा। मैंने पहचाने में नाकाम रही था विग्रे बरिंगी में था कि इन्हें अपनी अदाकारी के अंदाज मिली। इसके बाद इन्हें कथी का सारा में कोशिश किया गया। कोमल ने मिस्टर गारा का सामने मरकजी अदाकारी की। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज मैं आपके लिए जो मूवी लाई हूँ वो है नमो भी थत्मा 2। 2023 की हिंदुस्तानी कैंडन जुबान की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसकी हदायतकारी वी मंडली ने की है और इसमें कोमल लिखा चंद्रा गोविंदे गोडा ने अदाकारी की है। ये फिल्म नमो भी थत्मा का सीक्वल है। नमो भी थत्मा 2 की हदायतकार वी मंडली को संतोष शेखर, स्टारिंग कोमल ने प्रोड्यूस किया है, लिखा चंद्र गोविंदे गोडा, सिनेमाटोग्राफी हलेश रे बजरिया, मेज म्यूजिक अरुण एंड्रयू, पैदावार कंपनी MS गोल्डन प्रोडक्शंस, वक्त 4:41, मुल्क हिंदुस्तान, जुबान कैनन, कोमल बतौर अर्जुन, लिखा चंद्र बतौर अमृता, गोविंदे गोडा बतौर गुरुदा वर्धन, रवि बतौर शरियास, मोनिका गोडा बतौनी, मितेश राघु रामाया कोपा, साउंड ट्रैक म्यूजिक अरुण एंड्रयू ने तरतीब दी है। ड्रैक रिफ्रिस नंबर तक बाले में तरमीम कर दी। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एक नकाद ने लिखा है कि गजब फिल्म भी ऐ फतह हासिल नहीं कर सकती, लेकिन कोमल कुमार की मौजूदगी इसे किसी हद तक देखने के काबिल बनाती है। इसलिए अपने आप को रोना घर जाने के लिए तैयार करें, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब आप खुश मजाक लतीफ़ से हंसी तलाश कर रहे हों, क्योंकि रोने से ज़्यादा। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक नकार ने लिखा है, अगर आप मौत पर मबनी फिल्मों में बिजार हैं, कुछ मुख्तलिफ तलाश कर रहे हैं जिससे हंसी और डराने के भी अच्छे मकदार पैदा हों, तो थिएटर में नमो भी थत्मा 2 का लुत्फ उठाया जा सकता है। दक्कन हेराल्ड के एक नकार ने लिखा है कि स्लैपस्टिक कॉमेडी कभी हंसी को जन्म देती है, लेकिन ना जायका इसे नीचे लाता है। फिल्म एक उम्मीद फजा बुनियाद के साथ शुरू होती है, लेकिन दिलकश बयानियों की कमी की वजह से नाकाम रहती है। दी साउथ फर्स्ट के एक नकार ने लिखा है कि अदाकार कोमल कुमार अपनी पिछली हिट फॉर कॉमेडी नमो भी थत्मा के सीक्वल में बाज बचत हवाला जज में तरमीम करे। शारदा ए नमो भी थत्मा 2 फिल्म का जायजा, कोमल कुमार ने इस कमजोर हॉर कॉमेडी को एंकर किए। दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस 5 अगस्त 2023 को हासिल किया गया। 5 अगस्त 2023 को हासिल किया गया नमो भी थत्मा 2 मूवी रिव्यू है। हेरल की मजाया कहानी टाइम्स ऑफ इंडिया एक उम्मीद अफजा थलग गलत हो गया। दखन हराल 4 अगस्त 2023 11 बुद्ध का एक जायजा है नमो भी थत्मा खौफनाक मामला जो नाकाबिल बर्दाश्त तौर पर 2 घंटे से ज़्यादा परेशान रहता है। सबसे पहले असल शहर कृष्ण 2023 अगस्त 5 नूबी कौशल शहर कृष्ण 2023 अगस्त 5 बिरनी रबता के तरमीम 19 घंटे कबल त्रेश मोहन ने की। मुतलका मजामीन कोमल अदाकार नमो भी थत्मा 2014 भारतीय फिल्म लिफ्ट कोटा 2010 भारतीय फिल्म मौसी सिब ऐसे के तहत दस्तियाब जब तक के दूसरे सुर में नोट ना किया जाए। राजधारी पुलिस से इस्तेमाल करने की शराब डिस्ट्रक्ट मैन मैंने खोले आर्टिकल टॉक्स बन PDF डाउनलोड करें। कोमल कुमार जो के कोमल के नाम से जाना जाता है एक हिंदुस्तानी अदाकार फिल्म प्रोड्यूसर है जो कैंडन सिनेमा में अपने काम के लिए मशहूर है। उन्होंने 1992 में सुपर नान मागा से अपनी अदाकारी का आगाज किया। अपने डिब्यू के बाद से कोमल ने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किए। इब्तदाई तौर पर मरकजी किरदार अदा करने से पहले मामन अदाकार के तौर पर मजाया किरदारों में वो अदाकार जगेश के छोटे भाई हैं जिनके साथ इसने अक्सर पेशा बनाना तावन किया। कोमल
2016 की फिल्म डील राजा में पैदाइश 4 जुलाई 1973 में सुंदरा टमकोर मिसोर स्टेट इनके कौमी हिंदुस्तानी पेशे कोमल ने 1903 में फिल्म थावा रेगा भटंगी में मामा अदाकार के लिए किरदार के लिए बेहतरीन मामा अदाकार को कर्नाटक स्टेट फिल्म अवार्ड जीता। इसने 2006 में नेडो नाले में अपने अदाकारी के लिए साउथ फिल्म अवार्ड्स में जीता। हेबदास जिनके खानदान जिनके कमल सन्नतकारों के एक अच्छे खानदान में पैदा हुई। इसने ओची में अपनी तलीम कमल के तलीम अदाकारों में दिलचस्पी खोने से पहले ही सोल सर्विस के इम्तना देने में दिलचस्पी ली। इसके बाद वो पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में सिनेमाटोग्राफी का कोर्स करना चाहते, लेकिन फिर उन्होंने मेरे तलीमी पस मंजर की वजह से ऐसा करने में कासर है। इसके बाद उन्होंने छोटे किरदार में अदाकारी की। इसका भाई जगेश कैनन शर्मा में कायम अदाकार है। कोमल के भतीजे गुरुआज और हितराज में भी अदाकारी की। हेलिया अनसुईया एक प्रोड्यूसर है जिन्होंने फिल्म का कुल मंजा प्रोड्यूस किया। इस जोड़े ने फिल्म को अपने होम बैंड सिंदूरिया लहरी कम्बाइंस के तहत रिलीज किया। कैरियर कोमल ने अपनी फिल्म कैरियर का आगाज अपने भाई की 1992 की फिल्म सुपर नान मागा में माउन किरदार अदा करते हुए की। मिलिट्री मावा में मरकजी किरदार में कास्ट किया गया। 2003 में दक्कन हेराल्ड को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने याद किया, बदकिस्मती से फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और मैंने अदाकारी में दिलचस्पी खो दी, लेकिन मेरा भाई मुझे अदाकारी के मजीद काम की तरगीब देता रहा। ऊपर उन्होंने मजीद कहा, मेरे भाई जगेश सुभाषी के खिलाफ सोमा में विलन का किरदार जो मलाश्री की बहन को लाश ने इस कदर से रहा कि इसने मुझे अपनी अगली फिल्म लेडी कमीशन में अपने भाई के किरदार के रिकॉर्ड किया गया। दूसरी फिल्मों के एक सिलसिले के बाद जिनमें उन्होंने अदाकारी की वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने में नाकाम है रही या इन्हें पहचान दिलाने में नाकाम रही। ये था विग्रह या भटंगी में था कि इन्हें अपनी अदाकारी के लिए दाद मिली। इसके बाद इन्हें कथियागालू में कास्ट किया गया। कोमल ने मिस्टर गारागासा में मरकजी किरदार अदा किया था। हाँ, इन्हें 2009 में रिलीज होने वाली चमके सी चंडी और जैसी मरकजी अदाकार के तौर पर वक्फा मिला, जिससे इनके बनाई उनके अले ने बना दिया। तब इसने मुरीदे रमना और कुल मंजा जैसी फिल्मों में एक सोलो हीरो के तौर पर काम किया। इनकी 2012 की फिल्म गोविंदा नामा की एक ब्लॉक बिस्टर करार दिया गया, जिसने इन्हें स्टार का दर्जा हासिल किया। पारुल यादव खुद पर मुश्तमिल गाना इंटरटेनमेंट वायरल हुआ था। जाती नाकामियों के सिलसिले में कोमल ने हॉरर कॉमेडी बनम उपथमा 2014 में काम किया। ऐसे परफॉर्मेंस जिसे नागदीन से खूब सराहा गया। बंगलोर मिरर के श्याम प्रसाद एस ने महसूस किया कि कोमल अपना काम बखूबी करती है और ये कि यहाँ कोई हिस्ट्रोनिक्स नहीं जिसमें हर चीज़ को पॉइंट्स तक पहुँचाया जाए। फिल्म की रिलीज से कबल कोमल ने कहा था कि वो काम छोड़ देगी। कैंटन फिल्में अगर ये जाती तौर पर नाकाम रही, एक अदाकार के तौर पर टाइप कास्ट होने के बाद सी ये सिर्फ मजाही किरदार अदा कर सकता था। कोमल ने पुलिस फिल्म में काम किया वो नामी किरदार जिसको अदा करने के लिए इसने 26 किलोग्राम बहाया। कुछ सालों तक रिलीज ना होने के बाद कोमल कॉमेडी फिल्म एंजीमाने में नजर आए। इसने एक इंजीनियर वेंकटेश का किरदार अदा किया जिसकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद शादी करना और इस तरह जिनसी तलाक का हासिल करना, जिसका बचपन से जुनून था। फिल्म को नागदीन की तरफ से अच्छी पजीरी मिली, जिन्होंने इसे बेकार कहा। हॉरर कॉमेडी नमो थत्मा 2 में अर्जुन एक मजाक करने वाले एक मकामी टेलीविज़न चैनल के मालिक के तौर पर कुछ बदमाशों के साथ मजाक करने के बाद मुश्किल में पड़ जाता है। फिल्म को नागदीन की जानब से मिले जुले जायजे मिले। साउथ फर्स्ट के शशपेर सादैस ने इसे फिल्म का वायद बचाने वाला फजल कहा, जबकि दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा, कोमल कुमार की मजाकिया टाइमिंग एक लाइफ लाइन के तौर पर काम करती है, जो कि बचत के फजल के तौर पर काम करती है, जो गैगिश के मिशमाश को जोड़ती है। इसकी मजाकिया चमक आपको मसरूफ रखती है, अक्सर अपने भाई जगेश के तासरात की याद दिलाती है। जिस भी फिल्मोग्राफिया वाले जात भी जवाब तक आखिरी तरमीम 19 घंटे का बुद्रेश मोहन ने की। मुआसी सी बायासी के तहत दस्तियाब जब तक कि दूसरे सुर में नोटना किया जाए। राजदारी की पुलिस से इस्तेमाल करने की शर्त डिस्ट्रक मैन मैंने खुले तलाश करी। आर्टिकल टॉक्स बैंड PDF डाउनलोड करें। कोमल सनतकारों के एक अच्छे खानदान में पैदा हुई थी। इस न्यूटी में अपनी तलीम कोमल के तलीमी इदारों में दिलचस्पी खोने से पहले ही सोल सर्विस के इम्तहान देने में दिलचस्पी ली। इसके बाद इसने वो पुणे के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में सिनेमाटोग्राफी का कोर्स करना चाहते थे, लेकिन फनून में मेरे तलीमी पस मंजर की वजह से ऐसा करने से कासर है। इसके बाद उन्होंने छोड़ने किरदार अदा करने में अदाकारी की। इसका भाई जगेश कैनन शर्मा में कायम अदाकार कोमल के भतीजे गुरुआज और भतीराज भी हैं। इनके लिए इंसुईया एक प्रोड्यूसर जिन्होंने फिल्म का मंजा प्रोड्यूस किया। इस जोड़े ने फिल्म को अपने होम बैंड
द्रिया लहरी का मास्टर रिलीज किया करियर। कोमल ने अपनी फिल्म करियर का आगाज अपने भाई की 1992 में फिल्म सुपर नानमागा में मावन किरदार अदा करते हुए किया। मिल्ट्री मावा में ने मरकजी किरदार में वॉश किया गया। 2003 में दक्कन हेराल्ड के एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने याद किया, बदकिस्मती से फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और मैंने अदाकारी में दिलचस्पी खो दी, लेकिन मेरा भाई मुझे अदाकारी के मजीद काम करने की तरगीब देता रहा। ऊपर उन्होंने मजीद कहा, मेरे भाई जगेश सुभाषी के खिलाफ जुम्मा में विलन का किरदार जुमलाश्री के बयान को इस कदर सराहा गया, भाई के किरदार के लिए कोशिश किया गया। दूसरी फिल्मों के एक सिलसिले के बाद जिनमें उन्होंने अदाकारी की वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मैं नाकाम रहा, मैंने पहचाने में नाकाम रही था। विग्रे बरिंगी में था कि इन्हें अपनी अदाकारी के अंदाज मिली, इसके बाद इन्हें कथी का सारा में कोशिश किया गया। कौमल ने मिस्टर गारा का असम में मरकजी अदाकारी की। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज मैं आपके लिए जो मूवी लाई हूँ वो है नमो भी थत्मा 2023 की हिंदुस्तानी कैंडन जुबान की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसकी हदायतकारी वी मुरली ने की है और इसमें कोमल लिखा चंद्रा गोविंदे गोडा ने अदाकारी की है। ये फिल्म नमो भी थत्मा का रिक्वल है। नमो भी थत्मा 2 के हदायतकार वी मुरली को संतोष शेखर, स्टारिंग कोमल ने प्रोड्यूस किया है, लिखा चंद्र गोविंदे गोडा, सिनेमाटोग्राफी हलेश रे बजरिया, मेज म्यूजिक अरुण एंड्रयू, पैदावर कंपनी MS गोल्डन प्रोडक्शंस, वक्त 4:41 मिनट, मुल्क हिंदुस्तान, जुबान कैनन, कोमल बतौर अर्जुन, लिखा चंद्र बतौर अमृता, गोविंदे गोडा बतौर गुरुदा वर्धन, रवि बतौर शरियास, मोनिका गोडा बतौनी, मितेश राघु रामायण कोपा, साउंड ट्रैक म्यूजिक अरुण एंड्रयू ने तरतीब दी है। ड्रैक रिफ्रिस नंबर तक बाले में तरमीम कर दी। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एक नकाद ने लिखा है कि गजब फिल्म भी ऐ फतह हासिल नहीं कर सकती, लेकिन कोमल कुमार की मौजूदगी इसे किसी हद तक देखने के काबिल बनाती है। इसलिए अपने आप को रोना घर जाने के लिए तैयार करें, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब आप खुश मिजाज लतीफ़ से हंसी तलाश कर रहे हों, क्योंकि रोने से ज़्यादा। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक नकार ने लिखा है, अगर आप मुआद पर मबनी फिल्मों में बिजार हैं, कुछ मुख्तलिफ तलाश कर रहे हैं जिससे हंसी डराने के भी अच्छे मकदार पैदा हों, तो थिएटर में नमो भी थत्मा 2 का लुत्फ उठाया जा सकता है। दक्कन हेराल्ड के एक नकार ने लिखा है कि स्लैपस्टिक कॉमेडी कभी हंसी को जन्म देती है, लेकिन ना जायका इसे नीचे लाता है। फिल्म एक अमीर फजा बुनियाद के साथ शुरू होती है, लेकिन दिलकश बयानियों की कमी की वजह से नाकाम रहती है। दी साउथ फर्स्ट के एक नकार ने लिखा है कि अदाकार कोमल कुमार अपनी पिछली हिट फॉर कॉमेडी नमो भी थत्मा के सिक्वल में बहुत बचत हवाला जज में तरमीम करे। शारदा ए नमो भी थत्मा 2 फिल्म का जायजा, कोमल कुमार ने इस कमजोर हॉर कॉमेडी को एंकर किए। दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस 5 अगस्त 2023 को हासिल से आर्किस्टा 5 अगस्त 2023 को हासिल किया गया। नमो भी थत्मा 2 मूवी रिव्यू है, हेरल की मजाया कहानी। टाइम्स ऑफ इंडिया एक उम्मीद अफजा थलग गलत हो गया। दक्कन हेराल्ड 4 अगस्त 2023 11 बुद्ध का एक जायजा है। नमो भी थत्मा खौफनाक मामला जो नाकाबिल बर्दाश्त तौर पर 2 घंटे से ज़्यादा परेशान रहता है। सबसे पहले असल से आर्किस्ट 2023 अगस्त 5 नूबी को असल से आर्किस्ट 2023 अगस्त 5 बिने जवाब तख्त तरमीम 19 घंटे कबल त्रेश मोहन ने की। मुतलका मजामीन कोमल अदाकार नमो भी थत्मा 2014 भारतीय फिल्म लिफ्ट कोटा 2010 भारतीय फिल्म मौसी सिब ऐसे के तहत दस्तियाब, जब तक के दूसरे सुर में नोट ना किया जाए। राजदारी पुलिस इस्तेमाल करने की शराय डिस्ट्रक मैंने खोले आर्टिकल टॉक्स बन PDF डाउनलोड करें। कोमल कुमार जो के कोमल के नाम से जाना जाता है, एक हिंदुस्तानी अदाकार फिल्म प्रोड्यूसर है जो कैंडन सिनेमा में अपने काम के लिए मशहूर है। उन्होंने 1992 में सुपर नानमागा से अपनी अदाकारी का आगाज किया। अपने डेब्यू के बाद से कोमल ने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। इब्तदाई तौर पर मरकजी किरदार अदा करने से पहले मामा अदाकार के तौर पर मजाही किरदारों में वो अदाकार जगेश के छोटे भाई हैं, जिनके साथ इसने अक्सर पेशा वराना तावन किया। कोमल 2016 की फिल्म डील राजा में पैदाइश 4 जुलाई 1973 में सुंदरा टमकोर मिसोर स्टेट इनके कौमी हिंदुस्तानी पेशे। कोमल ने 1923 में फिल्म थावा रिगा बहरंगी में मामा अदाकार के लिए किरदार के लिए बेहतरीन मामा अदाकार को कर्नाटिक स्टेट फिल्म अवार्ड जीता। इसने 2006 में एंडो नाले में अपने अदाकारी के लिए साउथ फिल्म अवार्ड्स में जीता। इब्तदाई जिनकी खानदान मुकम्मल सनतकारों के एक अच्छे खानदान में पैदा हुई। इसने ओची में अपनी तलीम कम्मल के तलीमी अदाकारों में दिलचस्पी खोने से पहले ही सिविल सर्विस के इम्तहान देने में दिलचस्पी ली। इसके बाद वो पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में सिनेमाटोग्राफी का कोर्स करना चाहते, लेकिन फिरून में मेरे तलीमी पस मंजर की वजह से ऐसा करने में कासर है। इसके बाद उन्होंने छोटे किरदार में अदाकारी की। इसका भाई जगेश कैन सिनेमा में कायम
अदाकार है। कोमल के भतीजे गुरुआज और हितराज में भी अदाकारी की। हेलियन सिया एक प्रोड्यूसर है जिन्होंने फिल्म का कुल मंजा प्रोड्यूस किया। इस जोड़े ने फिल्म को अपने होम बैंड सिंदूरिया लहरी कंबाइंस के तहत रिलीज किया। कैरियर कोमल ने अपनी फिल्म कैरियर का आगाज अपने भाई की 1992 की फिल्म सुपर नान मागा में माउन किरदार अदा करते हुए की। मिलिट्री मावा में मरकजी किरदार में कास्ट किया गया। 2003 में दक्कन हेराल्ड को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने याद किया, बदकिस्मती से फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और मैंने अदाकारी में दिलचस्पी खो दी, लेकिन मेरा भाई मुझे अदाकारी के मजीद काम की तरगीब देता रहा। ऊपर उन्होंने मजीद कहा, मेरे भाई जगेश सुभाषी के खिलाफ सोमा में विलन का किरदार जो मलाश्री की बहन को लाश ने इस कदर से रहा कि इसने मुझे अपनी अगली फिल्म लेडी कमीशन में अपने भाई के किरदार के रिकॉर्ड किया गया। दूसरी फिल्मों के एक सिलसिले के बाद जिनमें उन्होंने अदाकारी की वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने में नाकाम है रही या इन्हें पहचान दिलाने में नाकाम रही। ये था विग्रह या बटंगी में था कि इन्हें अपनी अदाकारी के लिए दाद मिली। इसके बाद इन्हें कथियागालू में कास्ट किया गया। कोमल ने मिस्टर गारागासा में मरकजी किरदार अदा किया था। हाँ, मैंने 2009 में रिलीज होने वाली चमके सी चंडी और जैसी मरकजी अदाकार के तौर पर वक्फा मिला जिससे इनके बनाई उनके अले ने बना दिया। तब इसने मुरीदे रमना और कुल मंजा जैसी फिल्मों में एक सोलो हीरो के तौर पर काम किया। इनकी 2012 की फिल्म गोविंदा नामा की एक ब्लॉक बस्टर करार दिया गया जिसने इन्हें स्टार का दर्जा हासिल किया। पार्वल यादव खुद पर मुश्तमिल गाना इंटरटेनमेंट वायरल हुआ। जाती नाकामियों के सिलसिले में कोमल ने हॉरर कॉमेडी नमू पथमा 2014 में काम किया। ऐसे परफॉर्मेंस जिसे नागदीन से खूब सराहा गया। बंगलोर मिरर के श्याम प्रसाद एस ने महसूस किया कि कोमल अपना काम बखूबी करती है और ये कि यहाँ कोई हिस्ट्रोनिक्स नहीं जिसमें हर चीज़ को पॉइंट्स तक पहुँचाया जाए। फिल्म की रिलीज से कबल कोमल ने कहा था कि वो काम छोड़ देगी। कैंटन फिल्म में अगर ये जाती तौर पर नाकाम रही, एक अदाकार के तौर पर टाइप कास्ट होने के बाद सी ये सिर्फ मजाही किरदार अदा कर सकता था। कोमल ने पुलिस फिल्म में काम किया वो नामी किरदार जिसको अदा करने के लिए इसने 26 किलोग्राम बहाया। कुछ सालों तक रिलीज ना होने के बाद कोमल कॉमेडी फिल्म एंजीमाने में नजर आए। इसने एक इंजीनियर वेंकटेश का किरदार अदा किया जिसकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद शादी करना और इस तरह जिनसी तलाक का हासिल करना जिसका बचपन से ही जुनून था। फिल्म को नागदीन की तरफ से अच्छी पजीरी मिली जिन्होंने इसे बेकार कहा। हॉरर कॉमेडी नमू पथमा 2 में अर्जुन एक मजाक करने वाले एक मकामी टेलीविज़न चैनल के मालिक के तौर पर कुछ बदमाशों के साथ मजाक करने के बाद मुश्किल में पड़ जाता है। फिल्म को नागदीन की जाने से मिले जुले जायजे मिले। साउथ फर्स्ट के शशपेर सादैस ने इसे फिल्म का वायद बचाने वाला फजल कहा जबकि द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कोमल कुमार की मजाकिया टाइमिंग एक लाइफ लाइन के तौर पर काम करती है जो कि बचत के फजल के तौर पर काम करती है जो गैगिश के मिशमाश को जोड़ती है। इसकी मजाकिया चमक आपको मसरूफ रखती है। अक्सर अपने भाई जगेश के तासरात की याद दिलाती है जिस भी फिल्मोग्राफिया वाले जात बात आखिरी तरमीम 19 घंटे का बुद्रेश मोहन ने की। मुआसी सी बयासी के तहत दस्तियाब जब तक कि दूसरे सुर में नोटना किया जाए। राजधारी की पुलिस से इस्तेमाल करने की शर्त डी स्टॉक में मैंने खुले तलाश करी। आर्टिकल टॉक्स बैन PDF डाउनलोड करें। कोमल सनतकारों के एक अच्छे खानदान में पैदा हुई थी। इस न्यूटी में अपनी तलीम कोमल के तलीमी इदारों में दिलचस्पी खोने से पहले ही सोल सर्विस के इम्तहानात देने में दिलचस्पी ली। इसके बाद इसने वो पुणे के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में सिनेमाटोग्राफी का कोर्स करना चाहते थे लेकिन फनून में मेरी तलीमी पस मंजर की वजह से ऐसा करने से कासर रहे। इसके बाद उन्होंने छोड़ने किरदार अदा करने में अदाकारी की। इसका भाई जगेश कैंडन शर्मा में कायम अदाकार कोमल के भतीजे गुरुआज और बतेराज भी हैं। इनके लिए एक प्रोड्यूसर जिन्होंने फिल्म के मंजा प्रोड्यूस किए। इस जोड़े ने फिल्म को अपने होम बैंड द्रिया लहरी कंबाइन से रिलीज किया। करियर कोमल ने अपनी फिल्म करियर का आगाज अपने भाई की 1992 में फिल्म सुपर नान मागा में मावन किरदार अदा करते हुए किया। मिलिट्री मावा में ने मरकजी किरदार में कास्ट किया गया। 2003 में दक्कन हेराल्ड के एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने याद किया, बदकिस्मती से फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और मैंने अदाकारी में दिलचस्पी खो दी, लेकिन मेरा भाई मुझे अदाकारी के मजीद काम करने की तरगीब देता रहा। ऊपर उन्होंने मजीद कहा, मेरे भाई जगेश सुभाषी के खिलाफ सोमा में विलन का किरदार जो मलाश्री के बहन को इस कदर से रहा गया भाई के किरदार के लिए कोशिश किया गया। दूसरी फिल्मों के एक सिलसिले के बाद जिनमें उन्होंने अदाकारी की वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए नाकाम रहा मैंने पहचाने में नाकाम रही था विग्रह बजरंगी में था कि इन्हें अपनी अदाकारी के लिए दाद मिली। इसके बाद इन्हें
राज्य का सारा मेकोस के अगले कॉमन मिनिस्टर गारा का असम में मरकजी अदाकारी की। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज मैं आपके लिए जो मूवी लाई हूँ वो है नमो भी थत्मा 2023 की हिंदुस्तानी कैंडन जुबान की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसकी हदायतकारी वी मंडली ने की है और इसमें कोमल लिखा चंद्रा गोविंदे गोडा ने अदाकारी की है। ये फिल्म नमो भी थत्मा का सीक्वल है। नमो भी थत्मा 2 के हदायतकार वी मंडली को संतोष शेखर स्टारिंग कोमल ने प्रोड्यूस किया है। लिखा चंद्र गोविंदे गोडा, सिनेमाटोग्राफी हलेश रे बजरिया, मेज म्यूजिक अरुण एंड्रयू, पैदावार कंपनी MS गोल्डन प्रोडक्शंस, बुक 4:47 मिनट, मुल्क हिंदुस्तान, जुबान कैनन, कोमल बतौर नर्जन, लिखा चंद्र बतौर अमृता, गोविंदे गोडा बतौर गुरुदा वर्धन, रवि बतौर शरियास, मोनिका गोडा बतौनी, मितेश राघु रामाया कोपा, साउंड ट्रैक रे म्यूजिक अरुण एंड्रयू ने तरतीब दी है। ड्रैक रिफ्लिस नंबर तक बाले में तरमीम कर दी। न्यू इंडियन एक्सप्रेस टेक नकाद ने लिखा है कि गजब फिल्म भी ऐ फतह हासिल नहीं कर सकती, लेकिन कोमल कुमार की मौजूदगी इसे किसी हद तक देखने के काबिल बनाती है। इसलिए अपने आप को कोरोना घर जाने के लिए तैयार करें, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब आप खुश मिजाज लतीफ़ से हंसी तलाश कर रहे हों, क्योंकि रोने से ज़्यादा। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक नकार ने लिखा है, अगर आप मवाद पर मबनी फिल्मों में बिजार हैं, कुछ मुख्तलिफ तलाश कर रहे हैं जिससे हंसी और डराने के भी अच्छे मकदार पैदा हों, तो थिएटर में नमो भी थत्मा 2 का लुत्फ उठाया जा सकता है। दक्कन हेराल्ड के एक नकार ने लिखा है कि स्लैपस्टिक कॉमेडी कभी हंसी को जन्म देती है, लेकिन ना जायका इसे नीचे लाता है। फिल्म एक अमीर अफजा बुनियाद के साथ शुरू होती है, लेकिन दिलकश बयानी की कमी की वजह से नाकाम रहती है। दी साउथ फर्स्ट के एक नकार ने लिखा है कि अदाकार कोमल कुमार अपनी पिछली हिट फॉर कॉमेडी नमो भी थत्मा के सीक्वल में बहुत बचत हवाला जज में तरमीम करे। शारदा ए नमो भी थत्मा 2 फिल्म का जायजा, कोमल कुमार ने इस कमजोर हॉर कॉमेडी को एंकर किए। दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस 5 अगस्त 2023 को असल ज्यादा 5 अगस्त 2023 को हासिल किया गया नमो भी थत्मा 2 मूवी रिव्यू है। हीरो की मजाया कहानी टाइम्स ऑफ इंडिया एक उम्मीद अफजा अलग गलत हो गया। दखन 4 अगस्त 2023 11 बुद्ध का एक जायजा है नमो भी थत्मा खौफनाक मामला, जो नाकाबिल बर्दाश्त तौर पर 2 घंटे से ज़्यादा परेशान रहता है। सबसे पहले असल शहर कृष्ण 2023 अगस्त 5 नूबी कौशल शहर कृष्ण 2023 अगस्त 5 बिनेर वाखिर तरमीम 19 घंटे कबल त्रेश मोहन ने की मुतलका मजामीन कोमल अदाकार नमो भी थत्मा 2014 भारतीय फिल्म लिफ्ट कोटा 2010 भारतीय फिल्म मौसी ऐसे के तहत दस्तियाब। जब तक के दूसरे सुर में नोट ना किया जाए, राजधारी पुलिस से इस्तेमाल करने की शराब डिस्ट्रक्ट मैन मैंने खोले आर्टिकल टॉक्स बन PDF डाउनलोड करें। कोमल कुमार जो के कोमल के नाम से जाना जाता है, एक हिंदुस्तानी अदाकार फिल्म प्रोड्यूसर है जो कैंडन सिनेमा में अपने काम के लिए मशहूर है। उन्होंने 1999 में सुपर नान मागा से अपनी अदाकारी का आगाज किया। अपने डिब्यू के बाद से कोमल ने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किए। इब्तदाई तौर पर मरकजी किरदार अदा करने से पहले मामूली अदाकार के तौर पर मजाही किरदारों में वो अदाकार जगेश के छोटे भाई हैं, जिनके साथ इसने अक्सर पेशा वराना तावन किया। कोमल 2016 की फिल्म डील राजा में पैदाइश 4 जुलाई 1973 में सुंदरा टमकोर मिसो स्टेट इनके कौमी हिंदुस्तानी पेशे। कोमल ने 1923 में फिल्म थावा रेगा बहरंगी में मामा अदाकार के लिए किरदार के लिए बेहतरीन मामा अदाकार को कर्नाटिक स्टेट फिल्म अवार्ड जीता। इसने 2006 में एंडो नाले में अपने अदाकारी के लिए साउथ फिल्म अवार्ड्स में जीता। इब्तदाई जिनकी खानदान कोमल सनतकारों के एक अच्छे खानदान में पैदा हुई। इसने ओची में अपनी तलीम कमल के तलीमी अदाकारों में दिलचस्पी खोने से पहले ही सोल सर्विस के इम्तना देने में दिलचस्पी ली। इसके बाद वो पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में सिनेमाटोग्राफी का कोर्स करना चाहते, लेकिन फ़नून में मेरे तलीमी पस मंजर की वजह से ऐसा करने में कासर है। इसके बाद उन्होंने छोटे किरदार में अदाकारी की। इसका भाई जगेश कैंडन सिनेमा में कायम अदाकार है। कोमल के भतीजे गुरुआज और इतराज में भी अदाकारी की। हालिया अनसुईया एक प्रोड्यूसर है जिन्होंने फिल्म का कुल मंजा प्रोड्यूस किया। इस जोड़े ने फिल्म को अपने होम बैंड सिंदूरिया लहरी कम्बाइंस के तहत रिलीज़ किया। कैरियर कोमल ने अपनी फिल्म कैरियर का आगाज़ अपने भाई की 1992 की फिल्म सुपर नान मागा में माउन किरदार अदा करते हुए की। मिल्ट्री मावा में मरकजी किरदार में कास्ट किया गया। 2003 में दक्कन हेराल्ड को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने याद किया, बदकिस्मती से फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और मैंने अदाकारी में दिलचस्पी खो दी, लेकिन मेरा भाई मुझे अदाकारी के मजीद काम की तरगीब देता रहा। ऊपर उन्होंने मजीद कहा, मेरे भाई जगेश सुभाष श्री के खिलाफ सोमा में विलन का किरदार जो मिलाश्री की बहन को
लास्ट ने इस कदर सराहा कि इसने मुझे अपनी अगली फिल्म रेडी कमीशन में अपने भाई के किरदार के रिक्वेस्ट किया गया। दूसरी फिल्मों के एक सिलसिले के बाद जिनमें उन्होंने अदाकारी की वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने में नाकाम है रही या इन्हें पहचान दिलाने में नाकाम रही। ये था विग्रह या बटंगी में था कि इन्हें अपनी अदाकारी के लिए दाद मिली। इसके बाद इन्हें कथियागालू में कास्ट किया गया। कोमल ने मिस्टर गारागासा में मरकजी किरदार अदा किया था। हाँ, मैंने 2009 में रिलीज होने वाली चमके सी चंडी और जैसी मरकजी अदाकार के तौर पर वक्फा मिला जिससे इनके बनाई उनके अले ने बना दिया था। अभी उसने मुरीदे रमना और कुल मंजा जैसी फिल्मों में एक सोलो हीरो के तौर पर काम किया। इनकी 2012 की फिल्म गोविंदा नामा की एक ब्लॉक बस्टर करार दिया गया जिसने इन्हें स्टार का दर्जा हासिल किया। पारुल यादव खुद पर मुश्तमिल गाना इंटरटेनमेंट वायरल हुआ था। जाती नाकामियों के सिलसिले में कोमल ने हॉरर कॉमेडी बनमु पथमा 2014 में काम किया। ऐसे परफॉर्मेंस जिसे नाकदीन से खूब सराहा गया। बंगलोर मिरर के श्याम प्रसाद एस ने महसूस किया कि कोमल अपना काम बखूबी करती है और ये कि यहाँ कोई हिस्ट्रोनिक्स नहीं जिसमें हर चीज़ को पॉइंट्स तक पहुँचाया जाए। फिल्म की रिलीज से कबल कोमल ने कहा था कि वो काम छोड़ देगी। कैंटन फिल्म में अगर ये जाती तौर पर नाकाम रही एक अदाकार के तौर पर टाइप कास्ट होने के बाद सी ये सिर्फ मजाही किरदार अदा कर सकता था। कोमल ने पुलिस फिल्म में काम किया वो नामी किरदार जिसको अदा करने के लिए इसने 26 किलोग्राम बहाया। कुछ सालों तक रिलीज ना होने के बाद कोमल कॉमेडी फिल्म एंजीमाने में नजर आए। इसने एक इंजीनियर वेंकटेश का किरदार अदा किया जिसकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद शादी करना और इस तरह जिनसी तलाकात का हासिल करना जिसका बचपन से जुनून था। फिल्म को नागदीन की तरफ से अच्छी पजीरी मिली जिन्होंने इसे बेकार कहा। हॉरर कॉमेडी नमो थत्मा 2 में अर्जुन एक मजाक करने वाले एक मकामी टेलीविज़न चैनल के मालिक के तौर पर कुछ बदमाशों के साथ मजाक करने के बाद मुश्किल में पड़ जाता है। फिल्म को नागदीन की जान से मिले जुले जायजे मिले। साउथ फर्स्ट के शशपेर सादैस ने इसे फिल्म का वायद बचाने वाला फजल कहा जबकि द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कोमल कुमार की मजाकिया टाइमिंग एक लाइफ लाइन के तौर पर काम करती है जो कि बचत के फजल के तौर पर काम करती है जो जगेश के मिशमाश को जोड़ती है। इसकी मजाकिया चमक आपको मसरूफ़ रखती है अक्सर अपने भाई जगेश के तासरात की याद दिलाती है जिस भी फिल्मोग्राफी वाले जात आखिरी तरमीम 19 घंटे का बुलदेश मोहन ने की मौत से सिबायासी के तहत दस्तियाब जब तक कि दूसरे सुर में नोट ना किया जाए। राजधारी की पुलिस से इस्तेमाल करने की शायद डिस्ट्रक में मैंने खुले तलाश करी आर्टिकल टॉक्स बैन PDF डाउनलोड करें। कोमल सनतकारों के एक अच्छे खानदान में पैदा हुई थी। इस न्यूटी में अपनी तलीम कोमल के तलीमी इदारों में दिलचस्पी खोने से पहले ही सोल सर्विस के इम्तहानात देने में दिलचस्पी ली। इसके बाद इसने वो पुणे के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में सिनेमाटोग्राफी का कोर्स करना चाहते थे लेकिन फनून में मेरी तलीमी पस मंजर की वजह से ऐसा करने से कासर है। इसके बाद उन्होंने छोड़ने किरदार अदा करने में अदाकारी की। इसका भाई जगेश ग्रैंडन शर्मा में कायम अदाकार कोमल के भतीजे गुरुराज और बतेराज भी हैं। इनके लिए एक प्रोड्यूसर जिन्होंने फिल्म के मंजा प्रोड्यूस किए। इस जोड़े ने फिल्म को अपने होम बैंस द्रिया लहरी कम्बाइन से रिलीज किया। करियर कोमल ने अपनी फिल्म करियर का आगाज अपने भाई की 1992 में फिल्म सुपर नान मागा में मावन किरदार अदा करते हुए किया। मिल्ट्री मावा में ने मरकजी किरदार में वॉश किया गया। 2003 में दक्कन हेराल्ड के एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने याद किया बदकिस्मती से फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और मैंने अदाकारी में दिलचस्पी खो दी लेकिन मेरा भाई मुझे अदाकारी के मजीद काम करने की तरगीब देता रहा। ऊपर उन्होंने मजीद कहा मेरे भाई जगेश सुभाषी के खिलाफ जुम्मा में विलन का किरदार जुमलाश्री के बयान कोई इस कदर से रहा गया भाई के किरदार के लिए कोशिश किया गया। दूसरी फिल्मों के एक सिलसिले के बाद जिनमें उन्होंने अदाकारी की वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए नाकाम रहा मैंने पहचाने में नाकाम रही था विग्रह बजरंगी में था कि इन्हें अपनी अदाकारी की लाज मिली। इसके बाद इन्हें पार्थिव का सारा में कोशिश किया गया। कोमल ने मिस्टर गारा का सामने मरकजी अदाकारी की। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे खुश होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज मैं आपके लिए जो मूवी लाई हूँ वो है नमो भी थत्मा 2023 की हिंदुस्तानी कैंडन जुबान की हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसकी हदायतकारी वी मंडली ने की है और इसमें कोमल लिखा चंद्रा गोविंदे गोडा ने अदाकारी की है। ये फिल्म नमो भी थत्मा का रिक्वल है। नमो भी थत्मा 2 के हदायतकार वी मंडली को संतोष शेखर स्टारिंग कोमल ने प्रोड्यूस किया है। लिखा चंद्र गोविंदे गोडा सिनेमाटोग्राफी हलेश रे बजरिया मेज म्यूजिक अरुण
एंड्रयू पैदावार कंपनी है एम एस गोल्डन फैक्ट्रीज बुक है 4:41 मुल्क हिंदुस्तान जुबान कैनन कोमल बतौर नर्जन लिखा चंद बतौर अमृता गोविंदे गोडा बतौर गुरुदा वर्धन रवि बतौर शरियास मोनिका गोडा बतौनी मितेश राघु रामाय कोपा साउंड ट्रैक म्यूजिक अरुण एंड्रयू ने तरतीब दी है ट्रैक की फ्लिस नंबर तक बाले में तरमीम कर दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस टेक नकाद ने लिखा है कि गजब फिल्म भी ए फतह हासिल नहीं कर सकती लेकिन कोमल कुमार की मौजूदगी इसे किसी हद तक देखने के काबिल बनाती है इसलिए अपने आप को रोना घर जाने के लिए तैयार करें लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब आप खुश मिजाज लतीफ़ से हंसी तलाश कर रहे हों क्योंकि रोने से ज़्यादा टाइम्स ऑफ इंडिया के एक नकार ने लिखा है अगर आप मवाद पर मबनी फिल्मों में बिजार हैं कुछ मुख्तलिफ तलाश कर रहे हैं जिससे हंसी और डराने के भी अच्छे मकदार पैदा हों तो थिएटर में नमू बसदमा डू का लुत्फ उठाया जा सकता है। दक्कन हेराल्ड के एक नकार ने लिखा है कि स्लिपस्टिक कॉमेडी कभी हंसी को जन्म देती है लेकिन ना जायका इसे नीचे लाता है। फिल्म एक उम्मीद अफजा बुनियाद के साथ शुरू होती है लेकिन दिलकश बयानी की कमी की वजह से नाकाम रहती है। दी साउथ फर्स्ट के एक नकार ने लिखा है कि अदाकार कोमल कुमार अपनी पिछली हिट फॉर कॉमेडी नमो सतमा के सिक्वल में बहुत बचत हवाला जज में तरमीम करे शारदा ए नमो सतमा टू फिल्म का जायजा कोमल कुमार ने इस कमज़ोर हॉर कॉमेडी को एंकर किए। दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस 5 अगस्त 2023 को असल जारकिश्ता 5 अगस्त 2023 को हासिल किया गया नमो सतमा टू मूवी रिव्यू है हीरो की मजाया कहानी टाइम्स ऑफ इंडिया एक उम्मीद अफजा सलग गलत हो गया दक्कन हेराल्ड 4 अगस्त 2023 ग्यारह बुध तक का एक जायजा नमो सतमा खौफनाक मामला जो नाकाबिल बर्दाश्त तौर पर 2 घंटे से ज़्यादा परेशान रहता है सबसे पहले असल शहर की शुरू 2023 अगस्त 5 नूबी कौशल शहर की शुरू 2023 अगस्त 5 बिने जवाब तख्त तरमीम 19 घंटे कबल त्रेश मोहन ने की मुतलका मजामीन कोमल अदाकार नमो बतमा 2014 भारतीय फिल्म लिफ्ट कोटा 2010 भारतीय फिल्म मुआवजी सिब ऐसे के तहत दस्तियाब जब तक के दूसरे सुर में नोट ना किया जाए राजदारी पुलिस इस्तेमाल करने की शराब डिस्ट्रक मैन मैंने खोले आर्टिकल टॉक्स बन PDF डाउनलोड करें। कोमल कुमार जो के कोमल के नाम से जाना जाता है एक हिंदुस्तानी अदाकार फिल्म प्रोड्यूसर है जो कैंडन सिनेमा में अपने काम के लिए मशहूर है। उन्होंने 1999 में सुपर नान मागा से अपनी अदाकारी का आगाज़ किया। अपने डिब्यू के बाद से कोमल ने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किए। इब्तदाई तौर पर मरकजी किरदार अदा करने से पहले मामूली अदाकार के तौर पर मजाही किरदारों में वो अदाकार जगेश के छोटे भाई हैं जिनके साथ इसने अक्सर पेशा बनाना तावन किया। कोमल 2016 की फिल्म डील राजा में पैदाइश 4 जुलाई 1973 में सुंदरा टमकोर मिसोर स्टेट इनके कौमी हिंदुस्तानी पेशे। कोमल ने 1923 में फिल्म थावा रेगा बहरंगी में मामा अदाकार के लिए किरदार के लिए बेहतरीन मामा अदाकार को कर्नाटिक स्टेट फिल्म अवार्ड जीता। इसने 2006 में एंडो नाले में अपने अदाकारी के लिए साउथ फिल्म अवार्ड में जीता। इब्तदाई जिनकी खानदान कमल सन्नतकारों के एक अच्छे खानदान में पैदा हुई। इसने ओची में अपनी तलीम कमल के तलीमी अदाकारों में दिलचस्पी खोने से पहले ही सोल सर्विस के इम्तना देने में दिलचस्पी ली। इसके बाद वो पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में सिनेमाटोग्राफी का कोर्स करना चाहते लेकिन फिरून में मेरे तलीमी पस मंजर की वजह से ऐसा करने में कासर है। इसके बाद उन्होंने छोटे किरदार में अदाकारी की। इसका भाई जगेश कैंडन सिनेमा में कायम अदाकार है। कोमल के भतीजे गुरुआज और इतराज में भी अदाकारी की। हालिया अनसुईया एक प्रोड्यूसर है जिन्होंने फिल्म का कुल मंजा प्रोड्यूस किया। इस जोड़े ने फिल्म को अपने होम बैंड सिंदूरिया लहरी कम्बाइंस के तहत रिलीज किया। कैरियर कोमल ने अपनी फिल्म कैरियर का आगाज़ अपने भाई की 1992 की फिल्म सुपर नान मागा में माउन किरदार अदा करते हुए किए। मिल्ट्री मावा में इन्हें मरकजी किरदार में कास्ट किया गया। 2003 में दक्कन हेराल्ड को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने याद किया बदकिस्मती से फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और मैंने अदाकारी में दिलचस्पी खो दी लेकिन मेरा भाई मुझे अदाकारी के मजीद काम की तरगीब देता रहा। ऊपर उन्होंने मजीद कहा मेरे भाई जगेश सुभाषरी के खिलाफ सोमा में विलन का किरदार जो मलाश्री की बहन को लाश ने इस कदर से रहा कि इसने मुझे अपनी अगली फिल्म लेडी कमीशन में अपने भाई के किरदार के रिकॉस्ट किया गया। दूसरी फिल्मों के एक सिलसिले के बाद जिनमें उन्होंने अदाकारी की वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने में नाकाम है रही या इन्हें पहचान दिलाने में नाकाम रही। ये था विग्रह या बटंगी में था कि इन्हें अपनी अदाकारी के लिए दाद मिली। इसके बाद इन्हें कथियागालू में कास्ट किया गया। कोमल ने मिस्टर गारागासा में मरकजी किरदार अदा किया था। हाँ मैंने 2009 में रिलीज होने वाली चमकेसी चंडी और जैसी मरकजी अदाकारों के तौर पर वक्फा मिला जिससे इनके बनाई उनके अले ने बना दिया। तब इसने मुरीदे रमना और कुल मंजा जैसी फिल्मों में एक सोलो हीरो
तदर्पण काम किए। इनकी 2012 की फिल्म गोविंदा नामा की एक ब्लॉकबस्टर करार दिया गया, जिसने इन्हें स्टार का दर्जा हासिल किया। पारुल यादव खुद पर मुश्तमिल गाना इंटरटेनमेंट वायरल हुआ। जाति नाकामियों के सिलसिले में कोमल ने हॉरर कॉमेडी नमो पथमा 2014 में काम किया। ऐसे परफॉर्मेंस जिसे नाकदीन से खूब सराहा गया। बंगलोर मिरर के श्याम प्रसाद एस ने महसूस किया कि कोमल अपना काम बखूबी करती है और ये कि यहाँ कोई हिस्ट्रोनिक्स नहीं जिसमें हर चीज़ को पॉइंट्स तक पहुँचाया जाए। फिल्म की रिलीज से कबल कोमल ने कहा था कि वो काम छोड़ देगी। कैंटन फिल्म में अगर ये जाति तौर पर नाकाम थी, एक अदाकार के तौर पर टाइप कास्ट होने के बाद सी ये सिर्फ मजाही किरदार अदा कर सकता था। कोमल ने पुलिस फिल्म में काम किया वो नामी किरदार जिसको अदा करने के लिए इसने 26 किलोग्राम बहाया। कुछ सालों तक रिलीज ना होने के बाद कोमल कॉमेडी फिल्म एंट्रीमान में नजर आए। इसने एक इंजीनियर वेंकटेश का किरदार अदा किया जिसकी जिंदगी का वाहिद मकसद शादी करना और इस तरह जिनसी तलाक का हासिल करना जिसका बचपन से जुनून था। फिल्म को नागदीन की तरफ से अच्छी पसीरी मिली जिन्होंने इसे बेकार कहा। हॉरर कॉमेडी नमो पथमा 2 में अर्जुन एक मजाक करने वाले एक मकामी टेलीविजन चैनल के मालिक के तौर पर कुछ बदमाशों के साथ मजाक करने के बाद मुश्किल में पड़ जाता है। फिल्म को नागदीन की जान से मिले जुले जायजे मिले। साउथ फर्स्ट के शेक्सपियर सादेस ने इसे फिल्म का वायद बचाने वाला फजल कहा, जबकि द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कोमल कुमार की मजाकिया टाइमिंग एक लाइफ लाइन के तौर पर काम करती है जो कि बचत के फजल के तौर पर काम करती है जो गैगिश के मिशमाश को जोड़ती है। इसकी मजाकिया चमक आपको मसरूफ रखती है। अक्सर अपने भाई जगेश के तासरात की याद दिलाती है जिस भी फिल्मोग्राफिया वाले जात भी आखिरी तरमीम 19 घंटे का बुद्रेश मोहन ने की मौत से सी बयासी के तहत दस्तयाब जब तक कि दूसरे सुर में नोट ना किया जाए। राजधारी की पुलिस से इस्तेमाल करने की शर्त डिस्ट्रक मैंने खुले तलाश करी और टिकट टॉक्स बैन PDF डाउनलोड कर रहे हैं। कोमल सनतकारों के एक अच्छे खानदान में पैदा हुई थी। इस न्यूटी में अपनी तलीम कोमल के तलीमी इदारों में दिलचस्पी खोने से पहले ही सिविल सर्विस के इम्तहानात देने में दिलचस्पी ली। इसके बाद इसने वो पुणे के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में सिनेमाटोग्राफी का कोर्स करना चाहते थे, लेकिन फनून में मेरी तलीमी पस मंजर की वजह से ऐसा करने से कासर है। इसके बाद उन्होंने छोड़ने किरदार अदा करने में अदाकारी की। इसका भाई जगेश कैंडन शर्मा में कायम अदाकार कोमल के भतीजे गुरुराज और बतेराज भी हैं। इनके लिए भी है एक प्रोड्यूसर जिन्होंने फिल्म के मंजा प्रोड्यूस किए। इस जोड़े ने फिल्म को अपने होम बैंस द्रिया लहरी कम्बाइन से रिलीज किया। करियर कोमल ने अपनी फिल्म करियर का आगाज अपने भाई की 1992 में फिल्म सुपर नान मागा में मावन किरदार अदा करते हुए किया। मिल्ट्री मावा में ने मरकजी किरदार में वॉश किया गया। 2003 में दक्कन हेराल्ड के एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने याद किया, बदकिस्मती से फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और मैंने अदाकारी में दिलचस्पी खो दी, लेकिन मेरा भाई मुझे अदाकारी के मजीद काम करने की तरगीब देता रहा। ऊपर उन्होंने मजीद कहा, मेरे भाई जगेश सुभाषी के खिलाफ जुम्मा में विलन का किरदार जुमला श्री के बयान कोई इस कदर से रहा गया। भाई के किरदार के लिए कोशिश किया गया। दूसरी फिल्मों के एक सिलसिले के बाद जिनमें उन्होंने अदाकारी की वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मैं नाकाम रहा, मैंने पहचाने में नाकाम रही था। विग्रे बरंगी में था कि इन्हें अपनी अदाकारी के लिदाज मिली। इसके बाद इन्हें पार्थी का सारा में कोशिश किया गया। कोमल ने मिस्टर गारा कासम में मरकजी अदाकारी की। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज मैं आपके लिए जो मूवी लाई हूँ वो है नमो पथमा। नमो पथमा 2023 की हिंदुस्तानी कैंडन जुबान की हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसकी हदायतकारी वी मल्ली ने की है और इसमें कोमल लिखा चंद्रा गोविंदे गोडा ने अदाकारी की है। ये फिल्म नमो पथमा का सीक्वल है। नमो पथमा 2 के हदायतकार वी मल्ली को संतोष शेखर स्टारिंग कोमल ने प्रोड्यूस किया है। लिखा चंद्र गोविंदे गोडा सिनेमाटोग्राफी हलेश रे बजरिया मेज म्यूजिक अरुण एंड्रयू पैदावर कंपनी MS गोल्डन प्रोडक्शंस वक्त 4:47 मुल्क हिंदुस्तान जुबान कैनन कोमल बतौर अर्जुन लिखा चंद्र बतौर अमृता गोविंदे गोडा बतौर गुरुदा वर्धन रवि बतौर शरियास मोनिका गोडा बतौनी मितेश राघु रामाया कोपा साउंड ट्रैक रे म्यूजिक अरुण एंड्रयू ने तरतीब दी है। ड्रैक की फ्लिस नंबर तक बाले में तरमीम कर दी। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एक नकाद ने लिखा है कि अगर ये फिल्म भी ए फतह हासिल नहीं कर सकती, लेकिन कोमल कुमार की मौजूदगी इसे किसी हद तक देखने के काबिल बनाती है। इसलिए अपने आप को कोरोना घर जाने के लिए तैयार करें, लेकिन सिर्फ
इस सूरत में जब आप खुश मजाक लतीफ़ों से हंसी तलाश कर रहे हों, क्योंकि रोने से ज़्यादा। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक नकार ने लिखा है, अगर आप मौत पर मबनी फिल्मों में बिजार हैं, कुछ मुख्तलिफ तलाश कर रहे हैं जिससे हंसी और डराने के भी अच्छे मकदार पैदा हों, तो थिएटर में नमू बसदमा टू का लुत्फ उठाया जा सकता है। दक्कन हेराल्ड के एक नकार ने लिखा है कि स्लिपस्टिक कॉमेडी कभी हंसी को जन्म देती है लेकिन ना जायका इसे नीचे लाता है। फिल्म एक उम्मीद अफजा बुनियाद के साथ शुरू होती है लेकिन दिलकश बयानियों की कमी की वजह से नाकाम रहती है। जी साउथ फर्स्ट के एक नकार ने लिखा है कि अदाकार कोमल कुमार अपनी पिछली हिट फॉर कॉमेडी नमो बसदमा के सिक्वल में बहुत बचत हवाला जज में तरमीम करे। शारदा ए नमो बसदमा टू फिल्म का जायजा, कोमल कुमार ने इस कमज़ोर हर कॉमेडी को एंकर किए। दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस 5 अगस्त 2023 को असल जारकृष्टा 5 अगस्त 2023 को हासिल किया गया। नमो बसदमा टू मूवी रिव्यू है हेरल की मजाया कहानी। टाइम्स ऑफ इंडिया एक उम्मीद अफजा सलग गलत हो गया। दक्कन हेराल्ड 4 अगस्त 2023 ग्यारह बुद्ध तो का एक जायजा है। नमो बसदमा खौफनाक मामला जो नाकाबिल बर्दाश्त तौर पर 2 घंटे से ज़्यादा परेशान रहता है। सबसे पहले असल सैर कृष्णा 2023 अगस्त 5 नूबी को असल सैर कृष्णा 2023 अगस्त 5 बिरने जवाब ताखिर तरमीम 19 घंटे कबल। त्रेश मोहन ने की मुतलका मजामीन कोमल अदाकार नमो बसदमा 2014 भारतीय फिल्म लिफ्ट कोटा 2010 भारतीय फिल्म मौसी ऐसे के तहत दस्तियाब है। जब तक के दूसरे सुर में नोट ना किया जाए राजदारी पुलिस इस्तेमाल करने की शराब डिस्ट्रक्ट मैन मैंने खोले आर्टिकल टॉक्स बन PDF डाउनलोड करें। कोमल कुमार जो के कोमल के नाम से जाना जाता है एक हिंदुस्तानी अदाकार फिल्म प्रोड्यूसर है जो कैंडन सिनेमा में अपने काम के लिए मशहूर है। उन्होंने 1999 में सुपर नान मागा से अपनी अदाकारी का आगाज किया। अपने डिब्यू के बाद से कोमल ने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किए। इब्तदाई तौर पर मरकजी किरदार अदा करने से पहले मामूली अदाकार के तौर पर मजाही किरदारों में वो अदाकार जगेश के छोटे भाई हैं जिनके साथ इसने अक्सर पेशा बनाना तावन किया। कोमल 2016 की फिल्म डील राजा में पैदाइश 4 जुलाई 1973 में सुंदरा टमकोर मिसोर स्टेट इनके कौमी हिंदुस्तानी पेशे। कोमल ने 1923 में फिल्म थावा रेगा बहरंगी में मामा अदाकार के लिए किरदार के लिए बेहतरीन मामा अदाकार को कर्नाटिक स्टेट फिल्म अवार्ड जीता। इसने 2006 में एंडो नाले में अपने अदाकारी के लिए साउथ फिल्म अवार्ड में जीता। इब्तदाई जिनकी खानदान कमल सन्नतकारों के एक अच्छे खानदान में पैदा हुई। इसने ओची में अपनी तालीम कमल के तलीमी अदाकारों में दिलचस्पी खोने से पहले ही सोल सर्विस के इम्तना देने में दिलचस्पी ली। इसके बाद वो पुणे के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में सिनेमाटोग्राफी का कोर्स करना चाहते लेकिन फिर उन्होंने मेरे तलीमी पस मंजर की वजह से ऐसा करने में कासर रही। इसके बाद उन्होंने छोटे किरदार में अदाकारी की। इसका भाई जगेश कैंडन सिनेमा में कायम अदाकार है। कोमल के भतीजे गुरुआज और इतराज में भी अदाकारी की। हेलिया अंसविया एक प्रोड्यूसर है जिन्होंने फिल्म का कुल मंजा प्रोड्यूस किया। इस जोड़े ने फिल्म को अपने होम बैंड सिंदूरिया लहरी कम्बाइंस के तहत रिलीज किया। कैरियर कोमल ने अपनी फिल्म कैरियर का आगाज़ अपने भाई की 1992 की फिल्म सुपर नान मागा में माउन किरदार अदा करते हुए किए। मिलिट्री मावा में इन्हें मरकजी किरदार में कास्ट किया गया। 2003 में दक्कन हेराल्ड को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने याद किया, बदकिस्मती से फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और मैंने अदाकारी में दिलचस्पी खो दी लेकिन मेरा भाई मुझे अदाकारी के मजीद काम की तरगीब देता रहा। ऊपर उन्होंने मजीद कहा, मेरे भाई जगेश सुभाषी के खिलाफ सोमा में विलन का किरदार जो मलाश्री की बहन को लाश ने इस कदर से रहा कि इसने मुझे अपनी अगली फिल्म रेडी कमीशन में अपने भाई के किरदार के रिकॉर्ड किया गया। दूसरी फिल्मों के एक सिलसिले के बाद जिनमें उन्होंने अदाकारी की वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने में नाकाम है रही या इन्हें पहचान दिलाने में नाकाम रही। ये था विग्रह या बटंगी में था कि इन्हें अपनी अदाकारी के लिए दाद मिली। इसके बाद इन्हें कथियागालू में कास्ट किया गया। कोमल ने मिस्टर गारागासा में मरकजी किरदार अदा किया। तहम इन्हें 2009 में रिलीज होने वाली चमकेसी चंडी और जैसी मरकजी अदाकारों के तौर पर वक्फा मिला जिससे इनके बनाई उनकी अहले ने बना दिया। तब इसने मुरीदे रमना और कुल मंजा जैसी फिल्मों में एक सोलो हीरो के तौर पर काम किया। इनकी 2012 की फिल्म गोविंदा नामा की एक ब्लॉक बिस्टर करार दिया गया जिसने इन्हें स्टार का दर्जा हासिल किया। पारुल यादव खुद पर मुश्तमिल गाना इंटरटेनमेंट वायरल हुआ। जाती नाकामियों के सिलसिले में कोमल ने हॉरर कॉमेडी नमो बसदमा 2014 में काम किया। ऐसे परफॉर्मेंस जिसे नाकदीन से खूब सराहा गया। बंगलोर मिरर के श्याम प्रसाद एस ने महसूस किया कि कोमल अपना काम बखूबी करती है और ये कि यहाँ कोई हिस्ट्रोनिक्स नहीं जिसमें हर चीज़ को पॉइंट्स तक पहुँचाया जाए।
फिल्म की रिलीज से कबल कोमल ने कहा था कि वो काम छोड़ देगी। कैंटन फिल्म में अगर ये जाती तौर पर नाकाम रही, एक अदाकार के तौर पर टाइप कास्ट होने के बाद सी ए सिर्फ मजाही किरदार अदा कर सकता था। कोमल ने पुलिस फिल्म में काम किया वो नामी किरदार जिसको अदा करने के लिए इसने 26 किलोग्राम बहाया। कुछ सालों तक रिलीज ना होने के बाद कोमल कॉमेडी फिल्म एंटीमाने में नजर आए। इसने एक इंजीनियर वेंकटेश का किरदार अदा किया जिसकी जिंदगी का वाहिद मकसद शादी करना और इस तरह जिनसी तलाक का हासिल करना जिसका बचपन से जुनून था। फिल्म को नागदीन की तरफ से अच्छी पसीरी मिली जिन्होंने इसे बेकार कहा। हॉरर कॉमेडी नंबर थत्मटू में अर्जुन एक मजाक करने वाले एक मकामी टेलीविजन चैनल के मालिक के तौर पर कुछ बदमाशों के साथ मजाक करने के बाद मुश्किल में पड़ जाता है। फिल्म को नागदीन की जान से मिले जुले जायजे मिले। साउथ फर्स्ट के शेक्सपियर सादास ने इसे फिल्म का वायद बचाने वाला फजल कहा जबकि द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कोमल कुमार की मजाकिया टाइमिंग एक लाइफ लाइन के तौर पर काम करती है जो कि बचत के फजल के तौर पर काम करती है जो गैगश के मिशमाश को जोड़ती है। इसकी मजाकिया चमक आपको मसरूफ रखती है अक्सर अपने भाई जगेश के तासरात की याद दिलाती है जिस भी फिल्मोग्राफी वाले जात बात आखिरी तरमीम 19 घंटे का बुद्रेश मोहन ने की मुआसी सी बयासी के तहत दस्तयाब जब तक कि दूसरे सुर में नोट ना किया जाए। राजधारी की पुलिस से इस्तेमाल करने की शर्त डिस्टॉक में मैंने खुले तलाश करी और टिकट टॉक्स बैन PDF डाउनलोड करें। कोमल सनतकारों के एक अच्छे खानदान में पैदा हुई थी। इस न्यूटी में अपनी तलीम कोमल के तलीमी इदारों में दिलचस्पी खोने से पहले ही सोल सर्विस के इम्तहान देने में दिलचस्पी ली। इसके बाद इसने वो पुणे के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में सिनेमाटोग्राफी का कोर्स करना चाहते थे लेकिन फनून में मेरी तलीमी पस मंजर की वजह से ऐसा करने से कासर है। इसके बाद उन्होंने छोड़ने किरदार अदा करने में अदाकारी की। इसका भाई जगेश कैंडन शर्मा में कायम अदाकार कोमल के भतीजे गुरुराज और भतीराज भी हैं। इनके अलियंस भी हैं। एक प्रोड्यूसर जिन्होंने फिल्म के मंजा प्रोड्यूस किए इस जोड़े ने फिल्म को अपने होम बैंस द्रिया लहरी कम्बाइन से रिलीज किया। करियर कोमल ने अपनी फिल्म करियर का आगाज अपने भाई की 1992 में फिल्म सुपर नान मागा में मावन किरदार अदा करते हुए किया। मिल्ट्री मावा में ने मरकजी किरदार में वॉश किया गया। 2003 में दक्कन हेराल्ड के एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने याद किया बदकिस्मती से फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और मैंने अदाकारी में दिलचस्पी खो दी लेकिन मेरा भाई मुझे अदाकारी के मजीद काम करने की तरगीब देता रहा। ऊपर उन्होंने मजीद कहा मेरे भाई जगेश सुभाषी के खिलाफ जुम्मा में विलन का किरदार जो मलाश्री के बहन को इस कदर सराहा गया भाई के किरदार के लिए कोशिश किया गया। दूसरी फिल्मों के एक सिलसिले के बाद जिनमें उन्होंने अदाकारी की वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मैं नाकाम रहा मैंने पहचाने में नाकाम रही था विग्रह बरंगी में था कि इन्हें अपनी अदाकारी के अंदाज मिली। इसके बाद इन्हें पार्थिव का सारा में कोशिश किया गया। कोमल ने मिस्टर गारा का सामने मरकजी अदाकारी की। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे खुश होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज मैं आपके लिए जो मूवी लाई हूँ वो है नमो भी थत्मा 2। 2023 की हिंदुस्तानी कैंडन जुबान की हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसकी हदायतकारी वी मुरली ने की है और इसमें कोमल लिखा चंद्रा गोविंदे गोडा ने अदाकारी की है। ये फिल्म नमो भी थत्मा का सीक्वल है। नमो भी थत्मा 2 के हदायतकार वी मुरली को संतोष शेखर स्टारिंग कोमल ने प्रोड्यूस किया है। लिखा चंद्र गोविंदे गोडा सिनेमाटोग्राफी हलेश रेबजरिया मेज म्यूजिक अरुण एंड्रयू पैदावर कंपनी MS गोल्डन पिक्चर्स वक्त 4:47 मुल्क हिंदुस्तान जुबान कैनन कोमल बतौर अर्जुन लिखा चंद्र बतौर अमृता गोविंदे गोडा बतौर गुरुदा वर्धन रवि बतौर शरियास मोनिका गोडा बतौनी मितेश राघु रामाया कोपा साउंड ट्रैक के लिए म्यूजिक अरुण एंड्रयू ने तरतीब दी है। ड्रैक की फ्रिस नंबर इस्तकबाले में तरमीम कर दी। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एक नकाद ने लिखा है कि गजब फिल्म भी ऐ फतह हासिल नहीं कर सकती लेकिन कोमल कुमार की मौजूदगी इसे किसी हद तक देखने के काबिल बनाती है। इसलिए अपने आप को रोना घर जाने के लिए तैयार करें लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब आप खुश मजाक लतीफ से हंसी तलाश कर रहे हों क्योंकि रोने से ज़्यादा। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक नकार ने लिखा है अगर आप मवाद पर मबनी फिल्मों में बिजार हैं कुछ मुख्तलिफ तलाश कर रहे हैं जिससे हंसी और डराने के भी अच्छे मकदार पैदा हों तो थिएटर में नमो भी थत्मा 2 का लुत्फ उठाया जा सकता है। दक्कन हेराल्ड के एक नकार ने लिखा है कि स्लैपस्टिक कॉमेडी कभी हंसी को जन्म देती है लेकिन ना जायका इसे नीचे लाता है। फिल्म एक उम्मीद अफजा बुनियाद के साथ शुरू होती है लेकिन दिलकश बयानियों की कमी की वजह से नाकाम रहती है। दी साउथ फर्स्ट के एक नकार ने लिखा है कि अदाकार कोमल कुमार अपनी पिछली हिट फॉर कॉमेडी नमो भी थत्मा के सीक्वल में बाद बचत हवाला जज में तरमीम करे। शारदा
नमो सतमा टू फिल्म का जायजा कमल कुमार ने इस कमजोर हॉर कॉमेडी को एंकर किए दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस 5 अगस्त 2023 को असल जारकिश्ता 5 अगस्त 2023 को हासिल किया गया। नमो सतमा टू मूवी रिव्यू है हीरो की मजाया कहानी टाइम्स ऑफ इंडिया एक उम्मीद अफजा सलग गलत हो गया दखन 4 अगस्त 2023 11 मुतों का एक जायजा है। नमो सतमा खौफनाक मामला जो नाकाबिल बर्दाश्त तौर पर 2 घंटे से ज़्यादा परेशान रहता है। सबसे पहले असल शहर की शुरुआत 2023 अगस्त 5 नूबी को असल शहर की शुरुआत 2023 अगस्त 5 बिनिवाबी तरमीम 19 घंटे कबल त्रेश मोहन ने की मुतलका मजामी कोमल अदाकार नमो बतमा 2014 भारतीय फिल्म लिफ्ट कोटा 2010 भारतीय फिल्म मौसी ऐसे के तहत दस्तियाब जब तक के दूसरे सुर में नोट ना किया जाए। राजधारी पुलिस इस्तेमाल करने की शराब डिस्ट्रक्ट मैन मैंने खोले आर्टिकल टॉक्स बन PDF डाउनलोड करें। कोमल कुमार जो के कोमल के नाम से जाना जाता है एक हिंदुस्तानी अदाकार फिल्म प्रोड्यूसर है जो कन्नड़ सिनेमा में अपने काम के लिए मशहूर है। उन्होंने 1999 में सुपर नान मागा से अपनी अदाकारी का आगाज किया। अपने डेब्यू के बाद से कोमल ने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किए। इब्तदाई तौर पर मरकजी किरदार अदा करने से पहले मामूल अदाकार के तौर पर मजाही किरदारों में वो अदाकार जगेश के छोटे भाई हैं जिनके साथ इसने अक्सर पेशा वराना तावन किया। कोमल 2016 की फिल्म डील राजा में पैदाइश 4 जुलाई 1973 मियाँ सुंदरा टमकोर मिसोर स्टेट इनके कौमी हिंदुस्तानी पेशे। कोमल ने 1900 में फिल्म थावा रेगा बहरंगी में मामा अदाकार के लिए किरदार के लिए बेहतरीन मामा अदाकार को कर्नाटिक स्टेट फिल्म अवार्ड जीता। इसने 2006 में एंडो नाले में अपने अदाकारी के लिए साउथ फिल्म अवार्ड में जीता। इब्तदाई जिनकी खानदान जिनकी कमल सन्नतकारों के एक अच्छे खानदान में पैदा हुई। इसने ओची में अपनी तलीम कमल के तलीमी अदाकारों में दिलचस्पी खोने से पहले ही सिविल सर्विस के इम्तहान देने में दिलचस्पी ली। इसके बाद वो पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में सिनेमाटोग्राफी का कोर्स करना चाहते लेकिन फिर उन्होंने मेरे तलीमी पस मंजर की वजह से ऐसा करने में कासर रहे। इसके बाद उन्होंने छोटे किरदार में अदाकारी की। इसका भाई जगेश कैनन शर्मा में कायम अदाकार है। कोमल के भतीजे गुरुआज और इतराज में भी अदाकारी की। हेलिया अनसुईया एक प्रोड्यूसर है जिन्होंने फिल्म का कुल मंजा प्रोड्यूस किया। इस जोड़े ने फिल्म को अपने होम बैंड सिंदूरिया लहरी कम्बाइंस के तहत रिलीज किया। कैरियर कोमल ने अपनी फिल्म कैरियर का आगाज अपने भाई की 1992 की फिल्म सुपर नान मागा में माउन किरदार अदा करते हुए कि मिलिट्री मावा में मरकजी किरदार में कास्ट किया गया। 2003 में दक्कन हेराल्ड को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने याद किया बदकिस्मती से फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और मैंने अदाकारी में दिलचस्पी खो दी लेकिन मेरा भाई मुझे अदाकारी के मजीद काम की तरगीब देता रहा। ऊपर उन्होंने मजीद कहा मेरे भाई जगेश सुभाषी के खिलाफ सोमा में विलन का किरदार जो मलाष्टी की बहन को लाश ने इस कदर से रहा कि इसने मुझे अपनी अगली फिल्म रेडी कमीशन में अपने भाई के किरदार के रिकॉर्ड किया गया। दूसरी फिल्मों के एक सिलसिले के बाद जिनमें उन्होंने अदाकारी की वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने में नाकाम है रही या इन्हें पहचान दिलाने में नाकाम रही। ये था विग्रह या बटंगी में था कि इन्हें अपनी अदाकारी के लिए दाद मिली। इसके बाद इन्हें कथियागालू में कास्ट किया गया। कोमल ने मिस्टर गारागासा में मरकजी किरदार अदा किया। तहम इन्हें 2009 में रिलीज होने वाली चमकेसी चंडी और जैसी मरकजी अदाकार के तौर पर वक्फा मिला जिससे इनके बनाई उनके अले ने बना दिया। तब इसने मुरीदे रमना और कुल मंजा जैसी फिल्मों में एक सोलो हीरो के तौर पर काम किया। इनकी 2012 की फिल्म गोविंदा नामा की एक ब्लॉक बिस्टर करार दिया गया जिसने इन्हें स्टार का दर्जा हासिल किया। पारुल यादव खुद पर मुश्तमिल गाना इंटरटेनमेंट वायरल हुआ। जाती नाकामियों के सिलसिले में कोमल ने हॉरर कॉमेडी नमो बतमा 2014 में काम किया। ऐसे परफॉर्मेंस जिसे नाकदीन से खूब सराहा गया। बंगलोर मिरर के श्याम प्रसाद एस ने महसूस किया कि कोमल अपना काम बखूबी करती है और ये कि यहाँ कोई हिस्ट्रोनिक्स नहीं जिसमें हर चीज़ को पॉइंट्स तक पहुँचाया जाए। फिल्म की रिलीज से कबल कोमल ने कहा था कि वो काम छोड़ देगी। कैंटन फिल्में अगर ये जाती तौर पर नाकाम रही एक अदाकार के तौर पर टाइप कास्ट होने के बाद सी ये सिर्फ मजाही किरदार अदा कर सकता था। कोमल ने पुलिस फिल्म में काम किया वो नामी किरदार जिसको अदा करने के लिए इसने 26 किलोग्राम बहाया। कुछ सालों तक रिलीज ना होने के बाद कोमल कॉमेडी फिल्म एंट्रीमाने में नजर आई। इसने एक इंजीनियर वेंकटेश का किरदार अदा किया जिसकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद शादी करना और इस तरह जिनसी तलाक का
हर्ष रखना जिसका बचपन से जुनून था, फिर हमको नागदिन की तरफ से अच्छी पसीरी मिली जिन्होंने इसे बेकार कहा। हॉरर कॉमेडी नंबर विथ अथमाटू में अर्जुन एक मजाक करने वाले एक मकामी टेलीविजन चैनल के मालिक के तौर पर कुछ बदमाशों के साथ मजाक करने के बाद मुश्किल में पड़ जाता है। फिल्म को नागदिन की जान से मिले जुले जायजे मिले। साउथ फर्स्ट के शेक्सपियर सादास ने इसे फिल्म का वायद बचाने वाला फजल कहा, जबकि द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कोमल कुमार की मजाकिया टाइमिंग एक लाइफ लाइन के तौर पर काम करती है, जो कि बचत के फजल के तौर पर काम करती है, जो गैगश के मिशमाश को जोड़ती है। इसकी मजाकिया चमक आपको मसरूफ़ रखती है, अक्सर अपने भाई जगेश के तासरात की याद दिलाती है, जिस भी फिल्मोग्राफी हवाले जात बात आखिरी तरमीम 19 घंटे का बुलदेश मोहन ने की मौत से सिपाही के तहत दस्तियाब, जब तक कि दूसरे सुर में नोट ना किया जाए राजधारी की पुलिस से इस्तेमाल करने की शर्त डिस्टॉक में मैंने खुले तलाश कर लिया। आर्टिकल टॉक्स बैंड PDF डाउनलोड करें। कोमल सनत कारों के एक अच्छे खानदान में पैदा हुई थी, इस न्यूटी में अपनी तलीम कोमल के तलीमी इदारों में दिलचस्पी खोने से पहले ही सोल सर्विस के इम्तहान देने में दिलचस्पी ली। इसके बाद इसने वो पुणे के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में सिनेमाटोग्राफी का कोर्स करना चाहते थे, लेकिन फनून में मेरी तलीमी पस मंजर की वजह से ऐसा करने से कासर है। इसके बाद उन्होंने छोड़ने किरदार अदा करने में अदाकारी की। इसका भाई जगेश किरण शर्मा में कायम अदाकार कोमल के भतीजे गुरुराज और भतीराज भी हैं। इनके लिए एक प्रोड्यूसर जिन्होंने फिल्म के मंजा प्रोड्यूस किए। इस जोड़े ने फिल्म को अपने होम बैंस द्रिया लहरी कम्बाइन से रिलीज किया। करियर कोमल ने अपनी फिल्म करियर का आगाज अपने भाई की 1992 में फिल्म सुपर नाम मागा में मामन किरदार अदा करते हुए किया। मिल्ट्री मावा में ने मरकजी किरदार में वॉश किया गया। 2003 में दक्कन हेराल्ड के एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने याद किया, बदकिस्मती से फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और मैंने अदाकारी में दिलचस्पी खो दी, लेकिन मेरा भाई मुझे अदाकारी के मजीद काम करने की तरगीब देता रहा। ऊपर उन्होंने मजीद कहा, मेरे भाई जगेश सुभाषी के खिलाफ जुम्मा में विलन का किरदार जुमलाश्री के बयान कोई इस कदर से रहा गया। भाई के किरदार के लिए कोशिश के दूसरी फिल्मों के एक सिलसिले के बाद जिनमें उन्होंने अदाकारी की वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मैं नाकाम रहा, मैंने पहचाने में नाकाम रही था। विग्रह बजंगी में था कि इन्हें अपनी अदाकारी के अंदाज मिली। इसके बाद इन्हें कथी का सारा में कोशिश किया गया। कोमल ने मिस्टर गारा का असम में मरकजी अदाकारी की। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज मैं आपके लिए जो मूवी लाई हूँ वो है नमो भी थत्मा 2। 2023 की हिंदुस्तानी कैंडन जुबान की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसकी हदायतकारी वी मुरली ने की है और इसमें कोमल लिखा चंद्रा गोविंदे गोडा ने अदाकारी की है। ये फिल्म नमो भी थत्मा का सीक्वल है। नमो भी थत्मा 2 के हदायतकार वी मुरली को संतोष शेखर, स्टारिंग कोमल ने प्रोड्यूस किया है, लिखा चंद्र गोविंदे गोडा, सिनेमाटोग्राफी हलेश रे बजरिया, मेज म्यूजिक अरुण एंड्रयू, पैदावार कंपनी MS गोल्डन प्रोडक्शंस, वक्त 4:47, मुल्क हिंदुस्तान, जुबान कैनन, कोमल बतौर अर्जुन, लिखा चंद्र बतौर अमृता, गोविंदे गोडा बतौर गुरुदा वर्धन, रवि बतौर शरियास, मोनिका गोडा बतौर नन्नी, मितेश राघु रामाया कोपा, साउंड ट्रैक के लिए म्यूजिक अरुण एंड्रयू ने तरतीब दी है। ड्रैक की फ्रिस नंबर इस्तकबाले में तरमीम कर दी। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एक नकाद ने लिखा है कि गजब फिल्म भी ए फतह हासिल नहीं कर सकती, लेकिन कोमल कुमार की मौजूदगी इसे किसी हद तक देखने के काबिल बनाती है, इसलिए अपने आप को रोना घर जाने के लिए तैयार करें, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब आप खुश मजाक लतीफ़ से हंसी तलाश कर रहे हों, क्योंकि रोने से ज़्यादा। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक नकार ने लिखा है, अगर आप मौत पर मबनी फिल्मों में बिजार हैं, कुछ मुख्तलिफ तलाश कर रहे हैं जिससे हंसी और डराने के भी अच्छे मकदार पैदा हों, तो थिएटर में नमो भी थत्मा 2 का लुत्फ उठाया जा सकता है। दक्कन हेराल्ड के एक नकार ने लिखा है कि स्लैपस्टिक कॉमेडी कभी हंसी को जन्म देती है, लेकिन ना जायका इसे नीचे लाता है। फिल्म एक उम्मीद अफजा बुनियाद के साथ शुरू होती है, लेकिन दिलकश बयानियों की कमी की वजह से नाकाम रहती है। दी साउथ फर्स्ट के एक नकार ने लिखा है कि अदाकार कोमल कुमार अपनी पिछली हिट फॉर कॉमेडी नमो भी थत्मा के सीक्वल में बाद बचत हवाला जज में तरमीम करे। शारदा ए नमो भी थत्मा 2 फिल्म का जायजा, कोमल कुमार ने इस कमजोर हॉर कॉमेडी को एंकर किया। दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस 5 अगस्त 2023 को हासिल किया गया। 5 अगस्त 2023 को हासिल किया गया नमो भी थत्मा 2 मूवी रिव्यू है। हेरल की मजाया कहानी टाइम्स ऑफ इंडिया एक उम्मीद अफजा थलग गलत हो गया। दखन हर 4 अगस्त 2023 11 बुद्ध का एक जायजा है। नमो भी थत्मा खौफनाक मामला जो नाकाबिल बर्दाश्त तौर पर 2 घंटे से ज़्यादा परेशान रहता है। सबसे पहले असल से आरकृष्णा 2023 अगस्त 5 नूबी को असल से आरकृष्णा 2023 अगस्त 5 बिरने तरमीम
19 घंटे कब्र त्रेश मोहन ने की मुतलका जमीन कोमल अदाकार नमो बुथत्मा 2014 भारतीय फिल्म लिफ्ट कोटा 2010 भारतीय फिल्म मौसी सिब ऐसे के तहत दस्तयाब जब तक के दूसरे सुर में नोट ना किया जाए राजधारी कुरिसे स्मार्ट करने के शायद डिस्ट्रक्ट मैन मैंने खोले आर्टिकल टॉक्स बन PDF डाउनलोड करें। कोमल कुमार जो के कोमल के नाम से जाना जाता है एक हिंदुस्तानी अदाकार फिल्म प्रोड्यूसर है जो कंडन सिनेमा में अपने काम के लिए मशहूर है। उन्होंने 1999 में सुपर नान मागा से अपनी अदाकारी का आगाज किया। अपने डेब्यू के बाद से कोमल ने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किए। इब्तदाई तौर पर मरकजी किरदार अदा करने से पहले मामा अदाकार के तौर पर मजाया किरदारों में वो अदाकार जगेश के छोटे भाई हैं जिनके साथ इसने अक्सर पेशा बनाना तावन किया। कोमल 2016 की फिल्म डील राजा में पैदाइश 4 जुलाई 1973 में सुंदरा टमकोर मिसोर स्टेट इनके कौमी हिंदुस्तानी पेशे। कोमल ने 2003 में फिल्म थावा रेगा बहरंगी में मामा अदाकार के लिए किरदार के लिए बेहतरीन मामा अदाकार को कर्नाटक स्टेट फिल्म अवार्ड जीता। इसने 2006 में नेडो नाले में अपने अदाकारी के लिए साउथ फिल्म अवार्ड में जीता। इब्तदाई जिनकी खानदान जिनकी कमल सन्नतकारों के एक अच्छे खानदान में पैदा हुई। इसने ओची में अपनी तलीम कमल के तलीमी अदाकारों में दिलचस्पी खोने से पहले ही सोल सर्विस के इम्तना देने में दिलचस्पी ली। इसके बाद वो पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में सिनेमाटोग्राफी का कोर्स करना चाहते लेकिन फिर उन्होंने मेरे तलीमी पस मंजर की वजह से ऐसा करने में कासर है। इसके बाद उन्होंने छोटे किरदार में अदाकारी की। इसका भाई जगेश कैन शर्मा में कायम अदाकार है। कोमल के भतीजे गुरुआज और इतराज में भी अदाकारी के हेलिया अनसुईया एक प्रोड्यूसर है जिन्होंने फिल्म का कुल मंजा प्रोड्यूस किया। इस जोड़े ने फिल्म को अपने होम बैंड सिंदूरिया लहरी कम्बाइंस के तहत रिलीज किया। कैरियर कोमल ने अपनी फिल्म कैरियर का आगाज अपने भाई की 1992 की फिल्म सुपर नान मागा में माउन किरदार अदा करते हुए किए। मिलिट्री मावा में मरकजी किरदार में कास्ट किया गया। 2003 में दक्कन हेराल्ड को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने याद किया बदकिस्मती से फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और मैंने अदाकारी में दिलचस्पी खो दी लेकिन मेरा भाई मुझे अदाकारी के मजीद काम की तरकीब देता रहा। ऊपर उन्होंने मजीद कहा मेरे भाई जगेश सुभाषी के खिलाफ सोमा में विलन का किरदार जो मलाश्री की बहन को लाश्री ने इस कदर से रहा कि इसने मुझे अपनी अगली फिल्म रेडी कमीशन में अपने भाई के किरदार के रिकॉस्ट किया गया। दूसरी फिल्मों के एक सिलसिले के बाद जिनमें उन्होंने अदाकारी की वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने में नाकाम है रही या इन्हें पहचान दिलाने में नाकाम रही। ये था विग्रह या बटंगी में था कि इन्हें अपनी अदाकारी के लिए दाद मिली। इसके बाद इन्हें कथियागालू में कास्ट किया गया। कोमल ने मिस्टर गारागासा में मरकजी किरदार अदा किया था। हाँ इन्हें 2009 में रिलीज होने वाली चमकेसी चंडी और जैसी मरकजी अदाकार के तौर पर वक्फा मिला जिससे इनके बनाई उनके अले ने बना दिया। तब इसने मुरीदे रमना और कुल मंजा जैसी फिल्मों में एक सोलो हीरो के तौर पर काम किया। इनकी 2012 की फिल्म गोविंदा नामा की एक ब्लॉक बिस्टर करार दिया गया जिसने इन्हें स्टार का दर्जा हासिल किया। पारुल यादव खुद पर मुश्तमिल गाना इंटरटेनमेंट वायरल हुआ। जाती नाकामियों के सिलसिले में कोमल ने हॉरर कॉमेडी नमो बुथत्मा 2014 में काम किया। ऐसे परफॉर्मेंस जिसे नागदीन से खूब सराहा गया। बंगलोर मिरर के श्याम प्रसाद एस ने महसूस किया कि कोमल अपना काम बखूबी करती है और ये कि यहाँ कोई हिस्ट्रोनिक्स नहीं जिसमें हर चीज़ को पॉइंट्स तक पहुँचाया जाए। फिल्म की रिलीज से कबल कोमल ने कहा था कि वो काम छोड़ देगी। कैंटन फिल्में अगर ये जाती तौर पर नाकाम रही एक अदाकार के तौर पर टाइप कास्ट होने के बाद सी ये सिर्फ मजाही किरदार अदा कर सकता था। कोमल ने पुलिस फिल्म में काम किया वो नामी किरदार जिसको अदा करने के लिए इसने 26 किलोग्राम बहाया। कुछ सालों तक रिलीज ना होने के बाद कोमल कॉमेडी फिल्म एंट्रीमाने में नजर आई। इसने एक इंजीनियर वेंकटेश का किरदार अदा किया जिसकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद शादी करना और इस तरह जिनसी तलाक का हासिल करना जिसका बचपन से जुनून था। फिल्म को नागदीन की तरफ से अच्छी पसीरी मिली जिन्होंने इसे बेकार कहा। हॉरर कॉमेडी नमो बुथत्मा 2 में अर्जुन एक मजाक करने वाले एक मकामी टेलीविज़न चैनल के मालिक के तौर पर कुछ बदमाशों के साथ मजाक करने के बाद मुश्किल में पड़ जाता है। फिल्म को नागदीन की जान से मिले जुले जायजे मिले। साउथ फर्स्ट के शशपेर सादैस ने इसे फिल्म का वायद बचाने वाला फजल कहा जबकि द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कोमल कुमार की मजाकिया टाइमिंग एक लाइफ लाइन के तौर पर काम करती है जो कि बचत के फजल के तौर पर काम करती है जो गैगिश के मिशमाश को जोड़ती है। इसकी मजाकिया चमक आपको मसरूफ़ रखती है अक्सर अपने भाई जगेश के तासरात की याद दिलाती है जिस भी फिल्मोग्राफी वाले जात
आखिरी तरमीम 19 घंटे का ब्रेश मोहन ने की। मुआसी सी बयासी के तहत दस्तियाब जब तक कि दूसरे सुर में नोट ना किया जाए राजधारी की पुलिस से इस्तेमाल करने की शर्त डिस्ट्रक मैंने खुले तलाश करी आर्टिकल टॉक्स बैंड PDF डाउनलोड करें। कोमल सनतकारों के एक अच्छे खानदान में पैदा हुई थी। इस न्यूटी में अपनी तलीम कोमल के तलीमी इदारों में दिलचस्पी खोने से पहले ही सोल सर्विस के इम्तहान देने में दिलचस्पी ली। इसके बाद इसने वो पुणे के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में सिनेमाटोग्राफी का कोर्स करना चाहते थे लेकिन फनून में मेरी तलीमी पस मंजर की वजह से ऐसा करने से कासर है। इसके बाद उन्होंने छोड़ने किरदार अदा करने में अदाकारी की। इसका भाई जगेश किरण शर्मा में कायम अदाकार कोमल के भतीजे गुरुराज और भतीराज भी हैं। इनके लिए इंसवी है एक प्रोड्यूसर जिन्होंने फिल्म के मंजा प्रोड्यूस किए। इस जोड़े ने फिल्म को अपने होम बैंस द्रिया लहरी कम्बाइन से रिलीज़ किया। करियर कोमल ने अपनी फिल्म करियर का आगाज अपने भाई की 1992 में फिल्म सुपर नाम मागा में मामन किरदार अदा करते हुए किया। मिल्ट्री मावा में ने मरकजी किरदार में वॉश किया गया। 2003 में दक्कन हेराल्ड के एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने याद किया बदकिस्मती से फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और मैंने अदाकारी में दिलचस्पी खो दी लेकिन मेरा भाई मुझे अदाकारी के मजीद काम करने की तरगीब देता रहा। ऊपर उन्होंने मजीद कहा मेरे भाई जगेश सुभाषी के खिलाफ जुम्मा में विलन का किरदार जुमलाश्री के बयान कोई इस कदर से रहा गया। भाई के किरदार के लिए कोशिश किए गए दूसरी फिल्मों के एक सिलसिले के बाद जिनमें उन्होंने अदाकारी की वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मैं नाकाम रहा। मैंने पहचाने में नाकाम रही था विग्रे बरिंगी में था कि इन्हें अपनी अदाकारी के अंदाज मिली। इसके बाद इन्हें कथी का सारा में कोशिश किया गया। कोमल ने मिस्टर गारा का असम में मरकजी अदाकारी की। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे खुश होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज मैं आपके लिए जो मूवी लाई हूँ वो है नमो भी थत्मा 2। 2023 की हिंदुस्तानी कैंडन जुबान की हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसकी हदायतकारी वी मल्ली ने की है और इसमें कोमल लिखा चंद्रा गोविंदे गोडा ने अदाकारी की है। ये फिल्म नमो भी थत्मा का रिक्वल है। नमो भी थत्मा 2 के हदायतकार वी मल्ली को संतोष शेखर स्टारिंग कोमल ने प्रोड्यूस किया है। लिखा चंद्र गोविंदे गोडा सिनेमाटोग्राफी हलेश रेबजरिया मेज म्यूजिक अरुण एंड्रयू पैदावर कंपनी MS गोल्डन प्रोडक्शंस वक्त 4:41 मुल्क हिंदुस्तान जुबान कैनन कोमल बतौर अर्जुन लिखा चंद्र बतौर अमृता गोविंदे गोडा बतौर गुरुदा वर्धन रवि बतौर शरियास मोनिका गोडा बतौनी मितेश राघु रामायण कोपा साउंड ट्रैक म्यूजिक अरुण एंड्रयू ने तरतीब दी है। ड्रैक की फ्लिस नंबर इस्तकबाले में तरमीम कर दी। न्यू इंडियन एक्सप्रेस टेक्नकार ने लिखा है कि गजब फिल्म भी ऐ फतह हासिल नहीं कर सकती लेकिन कोमल कुमार की मौजूदगी इसे किसी हद तक देखने के काबिल बनाती है। इसलिए अपने आप को कोरोना घर जाने के लिए तैयार करें लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब आप खुश मजाक लतीफ़ से हंसी तलाश कर रहे हों क्योंकि रोने ज़्यादा। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक नकार ने लिखा है अगर आप मौत पर मबनी फिल्मों में बिजार हैं कुछ मुख्तलिफ तलाश कर रहे हैं जिससे हंसी और डराने के भी अच्छे मकदार पैदा हों तो थिएटर में नमो भी थत्मा 2 का लुत्फ उठाया जा सकता है। दक्कन हेराल्ड के एक नकार ने लिखा है कि स्लैपस्टिक कॉमेडी कभी हंसी को जन्म देती है लेकिन ना जायका इसे नीचे लाता है। फिल्म एक उम्मीद अफजा बुनियाद के साथ शुरू होती है लेकिन दिलकश बयानियों की कमी की वजह से नाकाम रहती है। दी साउथ फर्स्ट के एक नकार ने लिखा है कि अदाकार कोमल कुमार अपनी पिछली हिट फॉर कॉमेडी नमो भी थत्मा के सिक्वल में बाज बचत हवाला जज्बे तरमीम करे। शारदा ए नमो भी थत्मा 2 फिल्म का जायजा कोमल कुमार ने इस कमज़ोर हॉरर कॉमेडी को एंकर किए। दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस 5 अगस्त 2023 को हासिल किया गया। 5 अगस्त 2023 को हासिल किया गया नमो भी थत्मा 2 मूवी रिव्यू है। हेरल की मजाया कहानी टाइम्स ऑफ इंडिया एक उम्मीद अफजा थलग गलत हो गया। दखन हेराल्ड 4 अगस्त 2023 11 बुतों का एक जायजा नमो भी थत्मा खौफनाक मामला जो नाकाबिल बर्दाश्त तौर पर 2 घंटे से ज़्यादा परेशान रहता है। सबसे पहले कौशल से कृष्ण 2023 अगस्त 5 नूबी कौशल से कृष्ण 2023 अगस्त 5 बिरनी रब्ता की तरमीम 19 घंटे कबल त्रेश मोहन ने की। मुतलका मजामीन कोमल अदाकार नमो भी थत्मा 2014 भारतीय फिल्म लिफ्ट कोटा 2010 भारतीय फिल्म मुआसी सी ऐसे के तहत दस्तियाब जब तक के दूसरे सुर में नोट ना किया जाए राजधारी पुलिस से इस्तेमाल करने की शराब डिस्ट्रक्ट मैंने खोले आर्टिकल टॉक्स बन PDF डाउनलोड करें। कोमल कुमार जो कि कोमल के नाम से जाना जाता है एक हिंदुस्तानी अदाकार फिल्म प्रोड्यूसर है जो कैंडन सिनेमा में अपने काम के लिए मशहूर है। उन्होंने 1992 में सुपर नान मागा से अपनी अदाकारी का आगाज किया। अपने डिब्यू के बाद से कोमल ने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किए। इब्तदाई तौर पर मरकजी किरदार अदा करने से पहले मामन अदाकार के तौर पर मजाही किरदारों में वो अदाकार जगेश के छोटे भाई
हैं जिनके साथ इसने अक्सर पेशा वराना तावन किया। कोमल 2016 की फिल्म डील राजा में पैदाइश 4 जुलाई 1973 मियाँ सिंद्रा टमकोर मिसोर स्टेट इनके कौमी हिंदुस्तानी पेशे। कोमल ने 1923 में फिल्म थावा रेगा बहरंगी में मामा अदाकार के लिए किरदार के लिए बेहतरीन मामा अदाकार को कर्नाटक स्टेट फिल्म अवार्ड जीता। इसने 2006 में नेडो नाले में अपने अदाकारी के लिए साउथ फिल्म अवार्ड में जीता। हिप्टा जिनकी खानदान जिनकी कमल सन्नतकारों के एक अच्छे खानदान में पैदा हुई। इसने ओची में अपनी तलीम कमल के तलीमी अदाकारों में दिलचस्पी खोने से पहले ही सोल सर्विस के इम्तना देने में दिलचस्पी ली। इसके बाद वो पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में सिनेमाटोग्राफी का कोर्स करना चाहते लेकिन फिर उन्होंने मेरे तलीमी पस मंजर की वजह से ऐसा करने में कासर है। इसके बाद उन्होंने छोटे किरदार में अदाकारी की। इसका भाई जगेश कैनन शर्मा में कायम अदाकार है। कोमल के भतीजे गुरुआज और इतराज में भी अदाकारी की। हालिया अंसविया एक प्रोड्यूसर है जिन्होंने फिल्म का कुल मंजा प्रोड्यूस किया। इस जोड़े ने फिल्म को अपने होम बैंड सिंदूरिया लहरी कम्बाइंस के तहत रिलीज किया। कैरियर कोमल ने अपनी फिल्म कैरियर का आगाज अपने भाई की 1992 की फिल्म सुपर नान मागा में माउन किरदार अदा करते हुए कि यह मिलिट्री मावा में मरकजी किरदार में कास्ट किया गया। 2003 में दक्कन हेराल्ड को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने याद किया, बदकिस्मती से फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और मैंने अदाकारी में दिलचस्पी खो दी लेकिन मेरा भाई मुझे अदाकारी के मजीद काम की तरकीब देता रहा। ऊपर उन्होंने मजीद कहा, मेरे भाई जगेश सुभाषी के खिलाफ सोमा में विलन का किरदार जो मलाष्टी की बहन को लाश ने इस कदर से रहा कि इसने मुझे अपनी अगली फिल्म लेडी कमिश्नर में अपने भाई के किरदार के रिकॉर्ड किया गया। दूसरी फिल्मों के एक सिलसिले के बाद जिनमें उन्होंने अदाकारी की वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने में नाकाम है रही या इन्हें पहचान दिलाने में नाकाम रही। ये था विग्रह या बटंगी में था कि इन्हें अपनी अदाकारी के लिए दाद मिली। इसके बाद इन्हें कथियागालू में कास्ट किया गया। कोमल ने मिस्टर गारागासा में मरकजी किरदार अदा किया था। हाँ, मैंने 2009 में रिलीज होने वाली चमकेसी चंडी और जैसी मरकजी अदाकार के तौर पर वक्फा मिला जिससे इनके बनाई उनके अले ने बना दिया। तब इसने मुरीदे रमना और कुल मंजा जैसी फिल्मों में एक सोलो हीरो के तौर पर काम किया। इनकी 2012 की फिल्म गोविंदा नामा की एक ब्लॉक बिस्टर करार दिया गया जिसने इन्हें स्टार का दर्जा हासिल किया। पारुल यादव खुद पर मुश्तमिल गाना इंटरटेनमेंट वायरल हुआ। जाती नाकामियों के सिलसिले में कोमल ने हॉरर कॉमेडी बना मुह पथमा 2014 में काम किया। ऐसे परफॉर्मेंस जिसे नाकदीन से खूब सराहा गया। बंगलोर मिरर के श्याम प्रसाद एस ने महसूस किया कि कोमल अपना काम बखूबी करती है और ये कि यहाँ कोई हिस्ट्रोनिक्स नहीं जिसमें हर चीज़ को पॉइंट्स तक पहुँचाया जाए। फिल्म की रिलीज से कबल कोमल ने कहा था कि वो काम छोड़ देगी। कैंटन फिल्में अगर ये जाती तौर पर नाकाम रही। एक अदाकार के तौर पर टाइप कास्ट होने के बाद सी ए सिर्फ मजाही किरदार अदा कर सकता था। कोमल ने पुलिस फिल्म में काम किया वो नामी किरदार जिसको अदा करने के लिए इसने 26 किलोग्राम बहाया। कुछ सालों तक रिलीज ना होने के बाद कोमल कॉमेडी फिल्म एंजीमाने में नजर आई। इसने एक इंजीनियर वेंकटेश का किरदार अदा किया जिसकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद शादी करना और इस तरह जिनसी तलाक का हासिल करना जिसका बचपन से जुनून था। फिल्म को नागदीन की तरफ से अच्छी पसीरी मिली जिन्होंने इसे बेकार कहा। हॉरर कॉमेडी नमो थत्मा 2 में अर्जुन एक मजाक करने वाले एक मकामी टेलीविज़न चैनल के मालिक के तौर पर कुछ बदमाशों के साथ मजाक करने के बाद मुश्किल में पड़ जाता है। फिल्म को नागदीन की जान से मिले जुले जायजे मिले। साउथ फर्स्ट के शेक्सपियर सादास ने इसे फिल्म का वायद बचाने वाला फजल कहा जबकि द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कोमल कुमार की मजाकिया टाइमिंग एक लाइफ लाइन के तौर पर काम करती है जो कि बचत के फजल के तौर पर काम करती है जो गैगिश के मिशमाश को जोड़ती है। इसकी मजाकिया चमक आपको मसरूफ़ रखती है। अक्सर अपने भाई जगेश के तासरात की याद दिलाती है जिस भी फिल्मोग्राफी वाले जात जवाब तक आखिरी तरमीम 19 घंटे का बद्रेश मोहन ने की मुआसी सी बयासी के तहत दस्तियाब जब तक कि दूसरे सुर में नोट ना किया जाए। राजधारी की पुलिस से इस्तेमाल करने की शर्त डिस्ट्रक में मैंने खुले तलाश करी आर्टिकल टॉक्स बैन PDF डाउनलोड करें। कोमल सनतकारों के एक अच्छे खानदान में पैदा हुई थी। इस न्यूटी में अपनी तलीम कोमल के तलीमी इदारों में दिलचस्पी खोने से पहले ही सोल सर्विस के इम्तहान देने में दिलचस्पी ली। इसके बाद इसने वो पुणे के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में सिनेमाटोग्राफी का कोर्स करना चाहते थे लेकिन फनून में मेरी तलीमी पस मंजर की वजह से ऐसा करने से कासर है। इसके बाद उन्होंने छोड़ने किरदार अदा करने में अदाकारी की। इसका भाई जगेश कैनन शर्मा में कायम अदाकार कोमल के भतीजे गुरुआज और बतराज भी हैं। इनके लिए इंसवी एक
सर जिन्होंने फिल्म के अमंजा प्रोड्यूस किए। इस जोड़े ने फिल्म को अपने होम बैंस द्रिया लहरी कम्बाइन से रिलीज किया। करियर कोमल ने अपनी फिल्म करियर का आगाज अपने भाई के निशान 92 में फिल्म सुपर नानमागा में मामन किरदार अदा करते हुए किया। मिलिट्री मावा में ने मरकजी किरदार में वॉश किया गया। 2003 में दक्कन हेराल्ड के एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने याद किया, बदकिस्मती से फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और मैंने अदाकारी में दिलचस्पी खो दी, लेकिन मेरा भाई मुझे अदाकारी के मजीद काम करने की तरगीब देता रहा। ऊपर उन्होंने मजीद कहा, मेरे भाई जगेश सुभाषी के खिलाफ जुम्मा में विलन का किरदार जुमलाश्री के बयान को इस कदर सराहा गया, भाई के किरदार के लिए कोशिश किया गया। दूसरी फिल्मों के एक सिलसिले के बाद जिनमें उन्होंने अदाकारी की वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मैं नाकाम रहा, मैंने पहचाने में नाकाम रही था। विग्रे बजरंगी में था कि इन्हें अपनी अदाकारी के अंदाज मिली। इसके बाद इन्हें कथी का सारा में कोशिश किया गया। कोमल ने मिस्टर गारा का स्थान में मरकजी अदाकारी की। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज मैं आपके लिए जो मूवी लाई हूँ वो है नमो भी थत्मा 2। 2023 की हिंदुस्तानी कैंडन जुबान की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसकी हदायतकारी वी मुरली ने की है और इसमें कोमल लिखा चंद्रा गोविंदे गोडा ने अदाकारी की है। ये फिल्म नमो भी थत्मा का सीक्वल है। नमो भी थत्मा 2 की हदायतकार वी मुरली को संतोष शेखर, स्टारिंग कोमल ने प्रोड्यूस किया है, लिखा चंद्र गोविंदे गोडा, सिनेमाटोग्राफी हलेश रे बजरिया, मेज म्यूजिक अरुण एंड्रयू, पैदावार कंपनी MS गोल्डन प्रोडक्शन, वक्त 4:41 मिनट, मुल्क हिंदुस्तान, जुबान कैनन, कोमल बतौर अर्जुन, लिखा चंद्र बतौर अमृता, गोविंदे गोडा बतौर गुरुदा वर्धन, रवि बतौर शरियास, मोनिका गोडा बतौनी, मितेश राघु रामाया कोपा, साउंड ट्रैक म्यूजिक अरुण एंड्रयू ने तरतीब दी है। ड्रैक रिफ्रिस नंबर तक बाले में तरमीम कर दी। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एक नकाद ने लिखा है कि गजब फिल्म भी ऐ फतह हासिल नहीं कर सकती, लेकिन कोमल कुमार की मौजूदगी इसे किसी हद तक देखने के काबिल बनाती है। इसलिए अपने आप को रोना घर जाने के लिए तैयार करें, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब आप खुश मजाक लतीफ़ से हंसी तलाश कर रहे हों, क्योंकि रोने ज़्यादा। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक नकार ने लिखा है, अगर आप मुआद पर मबनी फिल्मों में बिजार हैं, कुछ मुख्तलिफ तलाश कर रहे हैं जिससे हंसी और डराने के भी अच्छे मकदार पैदा हों, तो थिएटर में नमो भी थत्मा 2 का लुत्फ उठाया जा सकता है। दक्कन हेराल्ड के एक नकार ने लिखा है कि स्लैपस्टिक कॉमेडी कभी हंसी को जन्म देती है, लेकिन नाज़ुक ज़ायका इसे नीचे लाता है। फिल्म एक उम्मीद अफजा बुनियाद के साथ शुरू होती है, लेकिन दिलकश बयानियों की कमी की वजह से नाकाम रहती है। दी साउथ फर्स्ट के एक नकार ने लिखा है कि अदाकार कोमल कुमार अपनी पिछली हिट फॉर कॉमेडी नमो भी थत्मा के सीक्वल में बहुत बचत हवाला जज्बे तरमीम करे। शारदा ए नमो भी थत्मा 2 फिल्म का जायजा, कोमल कुमार ने इस कमजोर हॉरर कॉमेडी को एंकर किए। दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस 5 अगस्त 2023 को हासिल, जारकृष्णा 5 अगस्त 2023 को हासिल किया गया। नमो भी थत्मा 2 मूवी रिव्यू है की मजाया कहानी। टाइम्स ऑफ इंडिया एक उम्मीद अफजा थलग गलत हो गया। दखन 4 अगस्त 2023 11 बुद्ध का एक जायजा है। नमो भी थत्मा खौफनाक मामला जो नाकाबिल बर्दाश्त तौर पर 2 घंटे से ज़्यादा परेशान रहता है। सबसे पहले असल शहर कृष्ण 2023 अगस्त 5 नूबी कौशल शहर कृष्ण 2023 अगस्त 5 बिरनी रबता के तरमीम 19 घंटे कबल त्रेश मोहन ने की मुतलका मजामी कोमल अदाकार नमो भी थत्मा 2014 भारतीय फिल्म लिफ्ट कोटा 2010 भारतीय फिल्म ऐसे के तहत दस्तियाब जब तक के दूसरे सुर में नोट ना किया जाए। राजधारी पुलिस से स्मार्ट करने की शराब डिस्ट्रक्ट मैन मैंने खोले आर्टिकल टॉक्स बन PDF डाउनलोड करें। कोमल कुमार जो के कोमल के नाम से जाना जाता है, एक हिंदुस्तानी अदाकार फिल्म प्रोड्यूसर है जो कैंडन सिनेमा में अपने काम के लिए मशहूर है। उन्होंने 1999 में सुपर नानमागा से अपनी अदाकारी का आगाज किया। अपने डेब्यू के बाद से कोमल ने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किए। इब्तदाई तौर पर मरकजी किरदार अदा करने से पहले मामन अदाकार के तौर पर मजाया किरदारों में वो अदाकार जगेश के छोटे भाई हैं, जिनके साथ इसने अक्सर पेशा बनाना तावन किया। कोमल 2016 की फिल्म डील राजा में पैदाइश 4 जुलाई 1973 में सुंदरा टमकोर मिसोर स्टेट इनके कौमी हिंदुस्तानी पेशे। कोमल ने 1900 में फिल्म थावा रेगा बहरंगी में मामन अदाकार के लिए किरदार के लिए बेहतरीन मामन अदाकार को कर्नाटक स्टेट फिल्म अवार्ड जीता। इसने 2006 में एंडो नाले में अपने अदाकारी के लिए साउथ फिल्म अवार्ड्स में जीता। इब्तदाई जिनकी खानदान जिन कोमल सन्नतकारों के एक अच्छे खानदान में पैदा हुई। इसने
और जी मैं अपनी तालीम मुकम्मल करने में तकारा में दिलचस्पी खोने से पहले ही सिविल सर्विस के इम्तहान देने में दिलचस्पी ली। इसके बाद वो पुणे के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में सिनेमाटोग्राफी का कोर्स करना चाहते, लेकिन फ़नून में मेरे तलीमी पस मंज़र की वजह से ऐसा करने में कासर है। इसके बाद उन्होंने छोटे किरदार में अदाकारी की। इसका भाई जगेश कैनन शर्मा में कायम अदाकारा कोमल के भतीजे गुरुआज और इतराज में भी अदाकारी की। हालिया अंसविया एक प्रोड्यूसर है जिन्होंने फिल्म का कुल मंजा प्रोड्यूस किया। इस जोड़े ने फिल्म को अपने होम बैंड सिंदूरिया लहरी कम्बाइंस के तहत रिलीज़ किया। कैरियर कोमल ने अपनी फिल्म कैरियर का आगाज अपने भाई की 1992 की फिल्म सुपर नान मागा में माउन किरदार अदा करते हुए कि यह मिलिट्री मावा में मरकजी किरदार में कास्ट किया गया। 2003 में दक्कन हेराल्ड को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने याद किया, बदकिस्मती से फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और मैंने अदाकारी में दिलचस्पी खो दी, लेकिन मेरा भाई मुझे अदाकारी के मजीद काम की तरगीब देता रहा। ऊपर उन्होंने मजीद कहा, मेरे भाई जगेश सुभाषी के खिलाफ सोमा में विलन का किरदार जो मलाश्री की बहन को लाश ने इस कदर से रहा कि इसने मुझे अपनी अगली फिल्म रेडी कमीशन में अपने भाई के किरदार के रिकॉर्ड किया गया। दूसरी फिल्मों के एक सिलसिले के बाद जिनमें उन्होंने अदाकारी की वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने में नाकाम है रही या इन्हें पहचान दिलाने में नाकाम रही। ये था विग्रह या बटंगी में था कि इन्हें अपनी अदाकारी के लिए दाद मिली। इसके बाद इन्हें कथियागालू में कास्ट किया गया। कोमल ने मिस्टर गारागासा में मरकजी किरदार अदा किया था। हाँ, मैंने 2009 में रिलीज होने वाली चमके सी चंडी और जैसी मरकजी अदाकार के तौर पर वक्फा मिला, जिससे इनके बनाई उनके अले ने बना दिया। तब इसने मुरीदे रमना और कुल मंजा जैसी फिल्मों में एक सोलो हीरो के तौर पर काम किया। इनकी 2012 की फिल्म गोविंदा नामा की एक ब्लॉक बिस्टर करार दिया गया, जिसने इन्हें स्टार का दर्जा हासिल किया। पारुल यादव खुद पर मुश्तमिल गाना इंटरटेनमेंट वायरल हुआ। तजाती नाकामियों के सिलसिले में कोमल ने हॉरर कॉमेडी बना मुह पथमा 2014 में काम किया। ऐसे परफॉर्मेंस जिसे नाकदीन से खूब सराहा गया। बंगलोर मिरर के श्याम प्रसाद एस ने महसूस किया कि कोमल अपना काम बखूबी करती है और ये कि यहाँ कोई हिस्ट्रोनिक्स नहीं जिसमें हर चीज़ को पॉइंट्स तक पहुँचाया जाए। फिल्म की रिलीज से कबल कोमल ने कहा था कि वो काम छोड़ देगी। कैंटन फिल्में अगर ये जाती तौर पर नाकाम रही, एक अदाकार के तौर पर टाइप कास्ट होने के बाद सी ए सिर्फ मजाही किरदार अदा कर सकता था। कोमल ने पुलिस फिल्म में काम किया वो नामी किरदार जिसको अदा करने के लिए इसने 26 किलोग्राम बहाया। कुछ सालों तक रिलीज ना होने के बाद कोमल कॉमेडी फिल्म एंजीमाने में नजर आई। इसने एक इंजीनियर वेंकटेश का किरदार अदा किया जिसकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद शादी करना और इस तरह जिनसी तलाक का हासिल करना, जिसका बचपन से जुनून था। फिल्म को नागदीन की तरफ से अच्छी पजीरी मिली, जिन्होंने इसे बेकार कहा। हॉरर कॉमेडी नमो थत्मा 2 में अर्जुन एक मजाक करने वाले एक मकामी टेलीविज़न चैनल के मालिक के तौर पर कुछ बदमाशों के साथ मजाक करने के बाद मुश्किल में पड़ जाता है। फिल्म को नागदीन की जाने से मिले जुले जायजे मिले। साउथ फर्स्ट के शशपेर साद एस ने इसे फिल्म का वायद बचाने वाला फजल कहा, जबकि द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कोमल कुमार की मजाकिया टाइमिंग एक लाइफ लाइन के तौर पर काम करती है, जो कि बचत के फजल के तौर पर काम करती है, जो गैगिश के मिशमाश को जोड़ती है। इसकी मजाकिया चमक आपको मसरूफ़ रखती है, अक्सर अपने भाई जगेश के तासरात की याद दिलाती है। जिस भी फिल्मोग्राफिया वाले जात भी जवाब तक आखिरी तरमीम 19 घंटे का बुद्रेश मोहन ने की मुआसी सी बयासी के तहत दस्तियाब, जब तक कि दूसरे सुर में नोट ना किया जाए। राजदारे की पुलिस से इस्तेमाल करने की शर्त डिस्ट्रक में मैंने खुले तलाश करी। आर्टिकल टॉक्स बैन PDF डाउनलोड करें। कोमल सनतकारों के एक अच्छे खानदान में पैदा हुई थी। इस न्यूटी में अपनी तलीम कोमल के तलीमी इदारों में दिलचस्पी खोने से पहले ही सोल सर्विस के इम्तहान देने में दिलचस्पी ली। इसके बाद इसने वो पुणे के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में सिनेमाटोग्राफी का कोर्स करना चाहते थे, लेकिन फ़नून में मेरे तलीमी पस मंज़र की वजह से ऐसा करने से कासर है। इसके बाद उन्होंने छोड़ने किरदार अदा करने में अदाकारी की। इसका भाई जगेश कैनन शर्मा में कायम अदाकार कोमल के भतीजे गुरुआज और भतीराज भी हैं। इनके लिए इंसवी एक प्रोड्यूसर जिन्होंने फिल्म के मंजा प्रोड्यूस किया। इस जोड़े ने फिल्म को अपने होम बैंड द्रिया लहरी कम्बाइन से रिलीज़ किया। कैरियर कोमल ने अपनी फिल्म कैरियर का आगाज़ अपने भाई की 1992 में फिल्म सुपर नान मागा में मावन किरदार अदा करते हुए किया। मिलिट्री मावा में ने मरकजी किरदार में कास्ट किया गया। 2003 में दक्कन हेराल्ड के एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने याद किया, बदकिस्मती से फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और मैंने अदाकारी में दिलचस्पी खो दी, लेकिन मेरा भाई मुझे अदाकारी के मजीद काम करने की तरगीब देता रहा। ऊपर उन्होंने मजीद कहा, मेरे भाई जगेश
वशी के खिलाफ सोमा में विलन का किरदार जुमलाश्री के बयान को इस कदर सराहा गया। भाई के किरदार के लिए कौशिक के दूसरी फिल्मों के एक सिलसिले के बाद जिनमें उन्होंने अदाकारी की वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए नाकाम रहा मैंने पहचाने में नाकाम रही था विग्रे बजरंगी में था कि इन्हें अपनी अदाकारी के अंदाज मिली। इसके बाद इन्हें कथी का सारा में कौशिक अगले कॉमन ने मिस्टर गारा का असम में मरकजी अदाकारी की। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे खुश होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज मैं आपके लिए जो मूवी लाई हूँ वो है नमो भी थत्मा 2023 की हिंदुस्तानी कैंडन जुबान की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसकी हदायतकारी वी मंडली ने की है और इसमें कोमल लिखा चंद्रा गोविंदे गोडा ने अदाकारी की है। ये फिल्म नमो भी थत्मा का सीक्वल है। नमो भी थत्मा 2 की हदायतकार वी मंडली को संतोष शेखर स्टारिंग कोमल ने प्रोड्यूस किया है। लिखा चंद्र गोविंदे गोडा सिनेमाटोग्राफी हलेश रे बजरिया मेज म्यूजिक अरुण एंड्रयू पैदावर कंपनी MS गोल्डन प्रोडक्शंस वक्त 4:41 मिनट मुल्क हिंदुस्तान जुबान कैनन कोमल बतौर अर्जुन लिखा चंद्र बतौर अमृता गोविंदे गोडा बतौर गुरुदा वर्धन रवि बतौर शरियास मोनिका गोडा बतौनी मितेश राघु रामायण कोपा साउंड ट्रैक म्यूजिक अरुण एंड्रयू ने तरतीब दी है। ड्रैक रिफ्रिज नंबर तक बाले में तरमीम कर दी। न्यू इंडियन एक्सप्रेस टेक नकाद ने लिखा है कि गजब फिल्म भी ए फतह हासिल नहीं कर सकती लेकिन कोमल कुमार की मौजूदगी इसे किसी हद तक देखने के काबिल बनाती है। इसलिए अपने आप को रोना घर जाने के लिए तैयार करें लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब आप खुश मजाक लतीफ़ों से हंसी तलाश कर रहे हों क्योंकि रोने से ज़्यादा। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक नकार ने लिखा है अगर आप मवाद पर मबनी फिल्मों में बिजार हैं कुछ मुख्तलिफ तलाश कर रहे हैं जिससे हंसी डराने के भी अच्छे मकदार पैदा हों तो थिएटर में नमो भी थत्मा 2 का लुत्फ उठाया जा सकता है। दक्कन हेराल्ड के एक नकार ने लिखा है कि स्लैपस्टिक कॉमेडी कभी हंसी को जन्म देती है लेकिन ना जायका इसे नीचे लाता है। फिल्म एक उम्मीद अफजा बुनियाद के साथ शुरू होती है लेकिन दिलकश बयानियों की कमी की वजह से नाकाम रहती है। दी साउथ फर्स्ट के एक नकार ने लिखा है कि अदाकार कोमल कुमार अपनी पिछली हिट फॉर कॉमेडी नमो भी थत्मा के सीक्वल में बहुत बचत हवाला जज में तरमीम करे। शारदा ए नमो भी थत्मा 2 फिल्म का जायजा कोमल कुमार ने इस कमज़ोर हॉर कॉमेडी को एंकर किए। दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस 5 अगस्त 2023 को हासिल से आर्किस्टा 5 अगस्त 2023 को हासिल किया गया नमो भी थत्मा 2 मूवी रिव्यू है। हेरल की मजाया कहानी टाइम्स ऑफ इंडिया एक उम्मीद अफजा थलग गलत हो गया। दक्कन हेराल्ड 4 अगस्त 2023 11 बुद्ध का एक जायजा नमो भी थत्मा खौफनाक मामला जो नाकाबिल बर्दाश्त तौर पर 2 घंटे से ज़्यादा परेशान रहता है। सबसे पहले कौशल से आर्किस्ट 2023 अगस्त 5 नूबी कौशल से आर्किस्ट 2023 अगस्त 5 बिरने अब तक तरमीम 19 घंटे कबल त्रेश मोहन ने की मुतलका मजामीन कोमल अदाकार नमो भी थत्मा 2014 भारतीय फिल्म लिफ्ट कोटा 2010 भारतीय फिल्म मौसी ऐसे के तहत दस्तियाब जब तक के दूसरे सुर में नोट ना किया जाए। राजधारी पुलिस से स्मार्ट करने की शायद डिस्ट्रक्ट मैन मैंने खोले आर्टिकल टॉक्स बन PDF डाउनलोड करें। कोमल कुमार जो के कोमल के नाम से जाना जाता है एक हिंदुस्तानी अदाकार फिल्म प्रोड्यूसर है जो कैंडन सिनेमा में अपने काम के लिए मशहूर है। उन्होंने 1999 में सुपर नान मागा से अपनी अदाकारी का आगाज किया। अपने डिब्यू के बाद से कोमल ने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किए। इब्तदाई तौर पर मरकजी किरदार अदा करने से पहले मामूल अदाकार के तौर पर मजाया किरदारों में वो अदाकार जगेश के छोटे भाई हैं जिनके साथ इसने अक्सर पेशा बनाना तावन किया। कोमल 2016 की फिल्म डील राजा में पैदाइश 4 जुलाई 1973 में सुंदरा टमकोर मिसोर स्टेट इनके कौमी हिंदुस्तानी पेशे। कोमल ने 1923 में फिल्म थावा रेगा बहरंगी में मामा अदाकार के लिए किरदार के लिए बेहतरीन मामा अदाकार को कर्नाटिक स्टेट फिल्म अवार्ड जीता। इसने 2006 में एंडो नाले में अपने अदाकारी के लिए साउथ फिल्म अवार्ड्स में जीता। इब्तदाई जिनकी खानदान कमल सनतकारों के एक अच्छे खानदान में पैदा हुई। इसने ओची में अपनी तलीम कमल के तलीम अदाकारों में दिलचस्पी खोने से पहले ही सोल सर्विस के इम्तहान देने में दिलचस्पी ली। इसके बाद वो पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में सिनेमाटोग्राफी का कोर्स करना चाहते लेकिन फिनून में मेरे तलीमी पस मंजर की वजह से ऐसा करने में कासर है। इसके बाद उन्होंने छोटे किरदार में अदाकारी की। इसका भाई जगेश कैनन सिनेमा में कायम अदाकार है। कोमल के भतीजे गुरुआज और इतराज में भी अदाकारी की। हेलिया अंसविया एक प्रोड्यूसर है जिन्होंने फिल्म का कुल मंजा प्रोड्यूस किया। इस जोड़े ने फिल्म को अपने होम बैंड सिंदूरिया लहरी कम्बाइंस के तहत रिलीज किया। कैरियर कोमल ने अपनी फिल्म कैरियर का आगाज़ अपने भाई की
92 की फिल्म सुपर नान मागम में माउन किरदार अदा करते हुए कि मिलिट्री मावा में मरकजी किरदार में कास्ट किया गया। 2003 में दक्कन हेराल्ड को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने याद किया, बदकिस्मती से फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और मैंने अदाकारी में दिलचस्पी खो दी, लेकिन मेरा भाई मुझे अदाकारी के मजीद काम की तरगीब देता रहा। ऊपर उन्होंने मजीद कहा, मेरे भाई जगेश सुभाषी के खिलाफ सोमा में विलन का किरदार, जो मलाश्री की बहन को लाश ने इस कदर रहा कि इसने मुझे अपनी अगली फिल्म रेडी कमीशन में अपने भाई के किरदार के रिकॉर्ड किया गया। दूसरी फिल्मों के एक सिलसिले के बाद जिनमें उन्होंने अदाकारी की वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने में नाकाम है रही या इन्हें पहचान दिलाने में नाकाम रही। ये था विग्रह या बटंगी में था कि इन्हें अपनी अदाकारी के लिए दाद मिली। इसके बाद इन्हें कथियागालू में कास्ट किया गया। कोमल ने मिस्टर गारागासा में मरकजी किरदार अदा किया था। हाँ, मैंने 2009 में रिलीज होने वाली चमके सी चंडी जैसी मरकजी अदाकार के तौर पर वक्फा मिला, जिससे इनके बनाई उनके अले ने बना दिया। तब इसने मुरीदे रमना और कुल मंजा जैसी फिल्मों में एक सोलो हीरो के तौर पर काम किया। इनके 2012 की फिल्म गोविंदा नामा की एक ब्लॉक बिस्टर करार दिया गया, जिसने इन्हें स्टार का दर्जा हासिल किया। पार्वल यादव खुद पर मुश्तमिल गाना इंटरटेनमेंट वायरल हुआ। तजाती नाकामियों के सिलसिले में कोमल ने हॉरर कॉमेडी बनम पथमा 2014 में काम किया। ऐसे परफॉर्मेंस जिसे नागदीन से खूब सराहा गया। बंगलोर मिरर के श्याम प्रसाद एस ने महसूस किया कि कोमल अपना काम बखूबी करती है और ये कि यहाँ कोई हिस्ट्रोनिक्स नहीं जिसमें हर चीज़ को पॉइंट्स तक पहुँचाया जाए। फिल्म की रिलीज से कबल कोमल ने कहा था कि वो काम छोड़ देगी। कैंटन फिल्म में अगर ये जाती तौर पर नाकाम रही, एक अदाकार के तौर पर टाइप कास्ट होने के बाद सी ए सिर्फ मजाही किरदार अदा कर सकता था। कोमल ने पुलिस फिल्म में काम किया, वो नामी किरदार जिसको अदा करने के लिए इसने 26 किलोग्राम बहाया। कुछ सालों तक रिलीज ना होने के बाद कोमल कॉमेडी फिल्म एंजीमाने में नजर आए। इसने एक इंजीनियर वेंकटेश का किरदार अदा किया, जिसकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद शादी करना और इस तरह जिनसी तलाक का हासिल करना, जिसका बचपन से जुनून था। फिल्म को नागदीन की तरफ से अच्छी पजीरी मिली, जिन्होंने इसे बेकार कहा। हॉरर कॉमेडी नमो थत्मा 2 में अर्जुन एक मजाक करने वाले एक मकामी टेलीविज़न चैनल के मालिक के तौर पर कुछ बदमाशों के साथ मजाक करने के बाद मुश्किल में पड़ जाता है। फिल्म को नागदीन की जानब से मिले जुले जायजे मिले। साउथ फर्स्ट के शशपेर सादैस ने इसे फिल्म का वायद बचाने वाला फजल कहा, जबकि द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा, कोमल कुमार की मजाकिया टाइमिंग एक लाइफ लाइन के तौर पर काम करती है, जो कि बचत के फजल के तौर पर काम करती है, जो गैगिश के मिशमाश को जोड़ती है। इसकी मजाकिया चमक आपको मसरूफ रखती है, अक्सर अपने भाई जगेश के तासरात की याद दिलाती है। जिस भी फिल्मोग्राफिया वाले जाती जवाब तक आखिरी तरमीम 19 घंटे का बुद्रेश मोहन ने की। मुआसी सी बयासी के तहत दस्तियाब जब तक कि दूसरे सुर में नोटना किया जाए। राजदारी की पुलिस से इस्तेमाल करने की शर्त डिस्ट्रक में मैंने खुले तलाश करी। आर्टिकल टॉक्स बैन PDF डाउनलोड करें। कोमल सनत कारों के एक अच्छे खानदान में पैदा हुई थी। इस न्योटी में अपनी तलीम कोमल के तलीमी इदारों में दिलचस्पी खोने से पहले ही सिविल सर्विस के इम्तहानात देने में दिलचस्पी ली। इसके बाद इसने वो पुणे के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में सिनेमाटोग्राफी का कोर्स करना चाहते थे, लेकिन फनून में मेरे तलीमी पस मंजर की वजह से ऐसा करने से कासर रहे। इसके बाद उन्होंने छोड़ने किरदार अदा करने में अदाकारी की। इसका भाई जगेश ग्रैंडन शर्मा में कायम अदाकार कोमल के भतीजे गुरुराज और बतीराज भी हैं। इनके लिए एक प्रोड्यूसर जिन्होंने फिल्म के मंजा प्रोड्यूस किए। इस जोड़े ने फिल्म को अपने होम बैंस द्रिया लहरी कम्बाइन से रिलीज किया। करियर कोमल ने अपनी फिल्म करियर का आगाज अपने भाई की 1992 में फिल्म सुपर नान मागा में मावन किरदार अदा करते हुए किया। मिलिट्री मावा में ने मरकजी किरदार में कास्ट किया गया। 2003 में दक्कन हेराल्ड के एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने याद किया, बदकिस्मती से फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और मैंने अदाकारी में दिलचस्पी खो दी, लेकिन मेरा भाई मुझे अदाकारी के मजीद काम करने की तरगीब देता रहा। ऊपर उन्होंने मजीद कहा, मेरे भाई जगेश सुभाषी के खिलाफ सोमा में विलन का किरदार, जो मलाश्री के बहन को इस कदर सराहा गया, भाई के किरदार के लिए कोशिश किया गया। दूसरी फिल्मों के एक सिलसिले के बाद जिनमें उन्होंने अदाकारी की वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मैं नाकाम रहा मैंने पहचाने में नाकाम रही था विग्रह पर जिंदगी में था कि इन्हें अपनी अदाकारी की लदाज मिली। इसके बाद इन्हें कथी का सारा में कोशिश किया गया। कोमल ने मिस्टर गारा कासा में मरकजी अदाकारी की।
अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज मैं आपके लिए जो मूवी लाई हूँ वो है नमो भी थर्मा 2। 2023 की हिंदुस्तानी कैंडन जुबान की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसकी हदायतकारी वी मुरली ने की है और इसमें कोमल लिखा चंद्रा गोविंदे गोडा ने अदाकारी की है। ये फिल्म नमो भी थर्मा का सीक्वल है। नमो भी थर्मा 2 के हदायतकार वी मुरली को संतोष शेखर, स्टारिंग कोमल ने प्रोड्यूस किया है, लिखा चंद्र गोविंदे गोडा, सिनेमाटोग्राफी हलेश रे बजरिया, मेज म्यूजिक अरुण एंड्रयू, पैदावार कंपनी MS गोल्डन प्रोडक्शंस, वक्त 4:41, मुल्क हिंदुस्तान, जुबान कैनन, कोमल बतौर अर्जुन, लिखा चंद्र बतौर अमृता, गोविंदे गोडा बतौर गुरुदा वर्धन, रवि बतौर शरियास, मोनिका गोडा बतौनी, मितेश राघु रामायण कोपा, साउंड ट्रैक म्यूजिक अरुण एंड्रयू ने तरतीब दी है। ड्रैक रिफ्रिश नंबर तक बाले में तरमीम कर दी। न्यू इंडियन एक्सप्रेस टेक नकाद ने लिखा है कि अगर ये फिल्म भी ऐ फतह हासिल नहीं कर सकती, लेकिन कोमल कुमार की मौजूदगी इसे किसी हद तक देखने के काबिल बनाती है। इसलिए अपने आप को रोना घर जाने के लिए तैयार करें, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब आप खुश मिजाज लतीफ़ से हंसी तलाश कर रहे हों, क्योंकि रोने से ज़्यादा। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक नकार ने लिखा है, अगर आप मवाद पर मबनी फिल्मों में बिजार हैं, कुछ मुख्तलिफ तलाश कर रहे हैं जिससे हंसी और डराने के भी अच्छे मकदार पैदा हों, तो थिएटर में नमो भी थर्मा 2 का लुत्फ उठाया जा सकता है। दक्कन हेराल्ड के एक नकार ने लिखा है कि स्लैपस्टिक कॉमेडी कभी हंसी को जन्म देती है, लेकिन ना जायका इसे नीचे लाता है। फिल्म एक अमीर अफजा बुनियाद के साथ शुरू होती है, लेकिन दिलकश बयानियों की कमी की वजह से नाकाम रहती है। दी साउथ फर्स्ट के एक नकार ने लिखा है कि अदाकार कोमल कुमार अपनी पिछली हिट हॉरर कॉमेडी नमो भी थर्मा के सीक्वल में बहुत बचत हवाला जज में तरमीम करे। शारदा ए नमो भी थर्मा 2 फिल्म का जायजा कोमल कुमार ने इस कमज़ोर हॉरर कॉमेडी को एंकर किए। दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस 5 अगस्त 2023 को असल जारकिश्ता 5 अगस्त 2023 को हासिल किया गया नमो भी थर्मा 2 मूवी रिव्यू है। हेरल की मजाया कहानी टाइम्स ऑफ इंडिया एक उम्मीद अफजा थलग गलत हो गया। दक्कन हेराल्ड 4 अगस्त 2023 11 बुद्ध का एक जायजा है नमो भी थर्मा खौफनाक मामला जो नाकाबिल बर्दाश्त तौर पर 2 घंटे से ज़्यादा परेशान रहता है। सबसे पहले असल शहर कृष्ण 2023 अगस्त 5 नूबी कौशल शहर कृष्ण 2023 अगस्त 5 बिनेज वाप्ताखिर तरमीम 19 घंटे कबल त्रेश मोहन ने की मुतलका मजामीन कोमल अदाकार नमो भी थर्मा 2014 भारतीय फिल्म लिफ्ट कोटा 2010 भारतीय फिल्म मौसी ऐसे के तहत दस्तियाब जब तक के दूसरे सुर में नोट ना किया जाए। राजधारी पुलिस से इस्तेमाल करने की शराय डिस्ट्रक्ट मैन मैंने खोले आर्टिकल टॉक्स बन PDF डाउनलोड करें। कोमल कुमार जो के कोमल के नाम से जाना जाता है एक हिंदुस्तानी अदाकार फिल्म प्रोड्यूसर है जो कैंडन सिनेमा में अपने काम के लिए मशहूर है। उन्होंने 1999 में सुपर नान मागा से अपनी अदाकारी का आगाज किया। अपने डिब्यू के बाद से कोमल ने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किए। इब्तदाई तौर पर मरकजी किरदार अदा करने से पहले मामूल अदाकार के तौर पर मजाही किरदारों में वो अदाकार जगेश के छोटे भाई हैं जिनके साथ इसने अक्सर पेशा वराना तावन किया। कोमल 2016 की फिल्म डील राजा में पैदाइश 4 जुलाई 1973 में सुंदरा टमकोर मिसोर स्टेट इनके कौमी हिंदुस्तानी पेशे। कोमल ने 1923 में फिल्म थावा रेगा बहरंगी में मामा अदाकार के लिए किरदार के लिए बेहतरीन मामा अदाकार को कर्नाटिक स्टेट फिल्म अवार्ड जीता। इसने 2006 में एंडो नाले में अपने अदाकारी के लिए साउथ फिल्म अवार्ड्स में जीता। इब्तदाई जिनकी खानदान जिनकी कमल सन्नतकारों के एक अच्छे खानदान में पैदा हुई। इसने ओची में अपनी तलीम कमल के तलीमी अदाकारों में दिलचस्पी खोने से पहले ही सोल सर्विस के इम्तना देने में दिलचस्पी ली। इसके बाद वो पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में सिनेमाटोग्राफी का कोर्स करना चाहते, लेकिन फिरून में मेरे तलीमी पस मंजर की वजह से ऐसा करने में कासर है। इसके बाद उन्होंने छोटे किरदार में अदाकारी की। इसका भाई जगेश कैनन सिनेमा में कायम अदाकार है। कोमल के भतीजे गुरुआज और इतराज में भी अदाकारी की। हालिया अनसुईया एक प्रोड्यूसर है जिन्होंने फिल्म का कुल मंजा प्रोड्यूस किया। इस जोड़े ने फिल्म को अपने होम बैंड सिंदूरिया लहरी कम्बाइंस के तहत रिलीज किया। कैरियर कोमल ने अपनी फिल्म कैरियर का आगाज अपने भाई की 1992 की फिल्म सुपर नान मागा में माउन किरदार अदा करते हुए की। मिलिट्री मावा में मरकजी किरदार में कास्ट किया गया। 2003 में दक्कन हेराल्ड को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने याद किया, बदकिस्मती से फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और मैंने अदाकारी में दिलचस्पी खो दी, लेकिन मेरा भाई मुझे अदाकारी के मजीद काम की तरगीब देता रहा। ऊपर उन्होंने मजीद कहा, मेरे भाई जगेश सुभाषरी के खिलाफ सोमा में विलन का किरदार जो मिलाश्री की बहन को लाश ने इस कदर से रहा कि इसने मुझे अपनी अगली फिल्म लेडी कमीशन में अपने भाई के किरदार के रिकॉर्ड किया गया। दूसरी फिल्मों के एक सिलसिले के बाद जिनमें उन्होंने अदाकारी की वो अच्छी कारकर्दगी का
जाहिर करने में नाकाम है रही या इन्हें पहचान दिलाने में नाकाम रही। ये था विग्रह या बटंगी में था कि इन्हें अपने अदाकारे के लिए दाद मिली। इसके बाद इन्हें कथियागालू में कास्ट किया गया। कोमल ने मिस्टर गारागासा में मरकजी किरदार अदा किया था। हाँ, मैंने 2009 में रिलीज होने वाली चमके सी चंडी और जैसी मरकजी अदाकार के तौर पर वक्फा मिला, जिससे इनके बनाई उनके अले ने बना दिया था। अभी उसने मुरीदे रमना और कुल मंजा जैसी फिल्मों में एक सोलो हीरो के तौर पर काम किया। इनकी 2012 की फिल्म गोविंदा नामा की एक ब्लॉक बिस्टर करार दिया गया, जिसने इन्हें स्टार का दर्जा हासिल किया। पारुल यादव खुद पर मुश्तमिल गाना इंटरटेनमेंट वायरल हुआ। जाती नाकामियों के सिलसिले में कोमल ने हॉरर कॉमेडी बना मुंह पथमा 2014 में काम किया। ऐसे परफॉर्मेंस जिसे नाकदीन से खूब सराहा गया। बंगलोर मिरर के श्याम प्रसाद एस ने महसूस किया कि कोमल अपना काम बखूबी करती है और ये कि यहाँ कोई हिस्ट्रोनिक्स नहीं जिसमें हर चीज़ को पॉइंट्स तक पहुँचाया जाए। फिल्म की रिलीज से कबल कोमल ने कहा था कि वो काम छोड़ देगी। कैंटन फिल्म में अगर ये जाती तौर पर नाकाम रही, एक अदाकार के तौर पर टाइप कास्ट होने के बाद सी ये सिर्फ मजाही किरदार अदा कर सकता था। कोमल ने पुलिस फिल्म में काम किया वो नामी किरदार जिसको अदा करने के लिए इसने 26 किलोग्राम बहाया। कुछ सालों तक रिलीज ना होने के बाद कोमल कॉमेडी फिल्म एंजीमाने में नजर आए। इसने एक इंजीनियर वेंकटेश का किरदार अदा किया जिसकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद शादी करना और इस तरह जिनसी तलाक का हासिल करना, जिसका बचपन से जुनून था। फिल्म को नागदीन की तरफ से अच्छी पजीरी मिली, जिन्होंने इसे बेकार कहा। हॉरर कॉमेडी नमो थत्मा 2 में अर्जुन एक मजाक करने वाले एक मकामी टेलीविज़न चैनल के मालिक के तौर पर कुछ बदमाशों के साथ मजाक करने के बाद मुश्किल में पड़ जाता है। फिल्म को नागदीन की जानब से मिले जुले जायजे मिले। साउथ फर्स्ट के शेक्सपियर सादेस ने इसे फिल्म का वायद बचाने वाला फजल कहा, जबकि द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कोमल कुमार की मजाकिया टाइमिंग एक लाइफ लाइन के तौर पर काम करती है, जो कि बचत के फजल के तौर पर काम करती है, जो गैगिश के मिशमाश को जोड़ती है। इसकी मजाकिया चमक आपको मसरूफ़ रखती है, अक्सर अपने भाई जगेश के तासरात की याद दिलाती है। जिस भी फिल्मोग्राफी वाले जात आखिरी तरमीम 19 घंटे का बुद्रेश मोहन ने की मौत से सी 82 के तहत दस्तियाब, जब तक कि दूसरे सुर में नोट ना किया जाए। राजधारी की पुलिस से इस्तेमाल करने की शर्त डी स्टॉक मैन मैंने खुले तलाश करी। आर्टिकल टॉक्स बैन PDF डाउनलोड करें। कोमल सनत कारों के एक अच्छे खानदान में पैदा हुई थी। इस न्यूटी में अपनी तलीम कोमल के तलीमी इदारों में दिलचस्पी खोने से पहले ही सोल सर्विस के इम्तहान देने में दिलचस्पी ली। इसके बाद इसने वो पुणे के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में सिनेमाटोग्राफी का कोर्स करना चाहते थे, लेकिन फनून में मेरी तलीमी पस मंजर की वजह से ऐसा करने से कासर है। इसके बाद उन्होंने छोड़ने किरदार अदा करने में अदाकारी की। इसका भाई जगेश ग्रैंडन सिनेमा में कायम अदाकार कोमल के भतीजे गुरुराज और बतेराज भी हैं। इनके लिए एक प्रोड्यूसर जिन्होंने फिल्म के मंजा प्रोड्यूस किए। इस जोड़े ने फिल्म को अपने होम बैंस द्रिया लहरी कम्बाइन से रिलीज किया। करियर कोमल ने अपनी फिल्म करियर का आगाज़ अपने भाई की 1992 में फिल्म सुपर नान मागा में मावन किरदार अदा करते हुए किया। मिल्ट्री मावा में ने मरकजी किरदार में कास्ट किया गया। 2003 में दक्कन हेराल्ड के एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने याद किया, बदकिस्मती से फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और मैंने अदाकारी में दिलचस्पी खो दी, लेकिन मेरा भाई मुझे अदाकारी के मजीद काम करने की तरगीब देता रहा। ऊपर उन्होंने मजीद कहा, मेरे भाई जगेश सुभाषी के खिलाफ जुम्मा में विलन का किरदार जुमलाश्री के बयान कोई इस कदर सराहा गया। भाई के किरदार के लिए कोशिश किए गए दूसरी फिल्मों के एक सिलसिले के बाद जिनमें उन्होंने अदाकारी की वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मैं नाकाम रहा। मैंने पहचाने में नाकाम रही था विग्रह बजंगी में था कि इन्हें अपनी अदाकारी की लदाद मिली। इसके बाद इन्हें पार्थी का सारा में कोशिश किया गया। कोमल ने मिस्टर गारा का असम में मरकजी अदाकारी की।